में दिक्कतें आती हैं उन प्रॉब्लम्स को लेते हुए उनको सॉर्ट आउट करने की, उनको ठीक करने की कोशिश की जाए। तो दो तीन प्रॉब्लम हैं जो प्रैक्टिस के दौरान आती है। जैसे हम नॉर्मली कॉन्फ्रेंसेस में या सेमिनार अटेंड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उसमें होता ये है कि हम लेक्चर सुनते हैं, एक्सपर्ट्स हमें जो है अपने फॉर्मुलेशन उसके या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बताते हैं, लेकिन क्लिनिकल यूज़ इसका कैसे करें हम, या क्लिनिक पर यूज़ करने के बाद इसमें क्या डिफिकल्टीज आई। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम लेक्चर देते हैं किसी भी पर्टिकुलर दवा के बारे में, तो हम उसके पॉजिटिव आस्पेक्ट ही सामने रखते हैं, लेकिन क्लिनिक में ऐसा नहीं होता है। क्लिनिक में क्या होता है, क्लिनिक में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें अच्छे नतीजे मिलते हैं, और ऐसा होता है कि अच्छे नतीजे नहीं भी मिलते हैं। जितना हम सुनते हैं सेमिनार में, कॉन्फ्रेंसेज में, ऐसा कभी कभी ये होता है कि हमें उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। क्यों, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है। उसमें एक बड़ी वजह यह है कि अलग अलग रीजन में जब हम जाके किसी फॉर्मुलेशन को और नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं, तो उसके इफेक्ट जाहिर सी बात है अलग होते हैं। और यूनानी का उसूल कुल्ली है, एक जनरलाइज रूल है कि एक दवा हर एक मिजाज के लोगों पर एक तरह का असर नहीं करती है। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि एक नुस्खा हर एक रीजन में एक जैसा असर नहीं करेगा। तो उससे क्या होता है कि जो लोग यूनानी का सेमिनार सुन के जाते हैं, एक्सपर्ट को सुनकर जाते हैं, वो पूरी तरह उस पर एतमाद नहीं कर पाते। तो हमें इस आस्पेक्ट पे भी काम करने की ज़रूरत थी, इसलिए हमने इस लेक्चर सीरीज की शुरुआत की। और इसमें हमें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी पर्टिकुलर डिजीज के बारे में डिटेल्ड चीज़ें, किताबी मालूमात से लेकर अपनी आम मालूमात, और आम मालूमात से लेकर क्लिनिकल, जो क्लिनिक पे यूज़ किया गया वो फॉर्मुलेशन, उसमें कैसे फ़वाद हासिल हुए, कैसे या क्या हमें उसकी डिफ़िकल्टीज रहीं उसके फ़वाद हासिल करने में, या क्या दुश्वारियाँ नुस्खा बनाने में, नुस्खा फॉर्मुलेट करने में, नुस्खा इस्तेमाल कराने में। कभी कभी छोटी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि नुस्खा हमने बहुत अच्छा नुस्खा हमने किताब से पढ़ लिया, लेकिन उसको बनाने में इतनी डिफ़िकल्टी है, कुछ दवा उसमें ऐसी है कि उसको पीसना ही मुश्किल है, उसका सूखू बनाना मुश्किल है। तो वो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करना इस प्लेटफॉर्म पर ही हमारा काम है। तो किसी बीमारी के बारे में बिल्कुल डिटेल मालूमात उसके पैथोलॉजी के लिहाज से, उसकी मुआलजाती नॉलेज के लिहाज से, और उसकी क्लिनिकल नॉलेज के लिहाज से, कि क्लिनिकली जो अलग अलग लोगों के तजर्बात हैं उसको हम कैसे शेयर करें ताकि प्रैक्टिस करने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो सके। एक ये इसके हमारा एक मोटिव है। और इसके साथ साथ जो हमारे इसके और मोटिव्स हैं कि हम डॉक्यूमेंट्री तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है यूनानी के लिटरेचर को लेकर। अगर कोई ऑनलाइन जाके सर्च करना चाहे, जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारे लोग इसको सर्च करना चाहते हैं। और जो भी हम काम कर रहे हैं इस पर, रिसर्च का काम कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, उससे हमें ऑनलाइन जाकर उसको अगर हम सर्च करना चाहें तो लोगों को ये नहीं मिलता है। तो हमें ये भी इस प्लेटफॉर्म पे हम ये भी कोशिश करेंगे कि लोगों को मोटिवेट किया जाए अपनी नॉलेज को पब्लिश कराने पर, कैसे उसको पब्लिश कराना है, कैसे उस पर रिसर्च करनी है, या रिसर्च को किस तरह हमें अरेंज करके उसको पब्लिश कराकर आम लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए भी हमने ये प्लेटफॉर्म रखा है कि अपनी अपनी जो भी क्लिनिकल नॉलेज है उसको हम इस प्लेटफॉर्म पर आगे शेयर किया जाए। इसमें हर एक इंसान जिसने अपना एक तजर्बा किया है, चाहे वो क्लिनिकल किसी एक ही बीमारी के बारे में कोई तजर्बा किया हो या रिसर्च की हो, वो इस प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी बात शेयर करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। इसमें किसी हम में से हर एक एक्सपर्ट हो सकता है अपने उस टॉपिक के बारे में शेयर करने के बारे में, रिसर्च करने में, उसको पब्लिश कराने में, उसको अरेंज करने में, किस तरह से उसको पब्लिश कराना। इसमें किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी आती है कि किसी ने कोई नुस्खा उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल पाया है, किसी एक डिजीज में इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन उनको पता नहीं है कि मैं इसको कैसे पब्लिश कराऊं या कैसे लोगों तक पहुंचाऊं, तो उनको इस पहुंचाने के लिए, हेल्प करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है कि वो आएं और अपनी बात शेयर करें, और उनको ठीक तरह से कैसे प्रेजेंट करना ये भी हम इसमें बताएंगे इंशाल्लाह। इसमें तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसका, एक मोटिव जो हमने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया है, इसका मोटिव बताने के लिए। तो धीरे धीरे हम इस पर आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। आज का जो हमारा जो टॉपिक है और जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो डॉक्टर मोहम्मद अदनान हैं। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज छत्तीसगढ़ में रायपुर के अंदर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर हैं, और इनके अपने जो तजुर्बात हैं ओबेसिटी के ताल्लुक से वो आज इंशाल्लाह शेयर करेंगे, जो इनका टॉपिक है। तो ओवर टू यू डॉक्टर मोहम्मद अदनान। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जितने भी मुंतजमीन हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो ये हाजिक लेक्चर सीरीज आप लोग कंडक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम की आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
और बहुत पर्टिन है इस तरह के प्रोग्राम आजकल के दौर में, ये कंसीडर करते हुए कि जितना भी लोग हैं, जितने पेशेंट्स हैं, उनका जो रुझान है वो इंडियन सिस्टम मेडिसिन की तरफ, यूनानी की तरफ और हर्बल मेडिसिन की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है अगर देखा जाए तो, खास तौर से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनके लिए। पहली तो ये वजह हो गई इस तरह के प्रोग्राम को कंडक्ट कराने की। दूसरी वजह मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैं फील कर रहा हूँ, बहुत सारे जो जितने भी यूनानी स्कॉलर्स हैं वो भी फील कर रहे हैं कि अभी जो स्टूडेंट्स पास आउट होके निकल रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100% यूनानी प्रैक्टिस की तरफ रुझू हो रहे हैं, और तो उन लोग की हौसला अफजाई के लिए, उन लोग को अपडेट रखने के लिए, जो क्लिनिकल जो जैसे अकमल भाई बात कर रहे थे, जो अपने तजुर्बात हैं वो शेयर करने के लिए, उनको अपडेट रखने के लिए इस तरह के प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ज़रूरी भी है इस तरह के प्रोग्राम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस एमपी स्टेट का और सभी जितने भी मुंतजमीन हैं उन सबका, जिन्होंने मुझे एज गेस्ट स्पीकर मधु किया, और वो भी ऐसे टॉपिक पे बोलने के लिए जो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत अहमियत वाला टॉपिक है। तो बिना वक्त गुजाए मैं अपना टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करना चाहूँगा द परमिशन ऑफ डॉक्टर आरिफ। मेरा जो स्लाइड है वो विजिबल है क्या? ठीक दिख रहा है? हाँ है, ओके, दिख रहा है, शुरू थोड़ा करें। इसको फुल स्क्रीन कर ले तो और अच्छा दिखेगा। फुल स्क्रीन नहीं है क्या ये? नहीं सर, नीचे क्लिक ये आपके नीचे से हो जाएगा ना, ये क्या नाम है, करना F5 से, पड़ेगा F5 F5। से भी हो जाएगा। अभी हो रहा है क्या? नहीं अभी तो नहीं दिख रहा। स्क्रीन के राइट साइड में जो डॉट्स बने हुए हैं ना तीन, जहाँ पर इसका परसेंटेज दी हुई है, स्क्रीन का रेजोल्यूशन बढ़ाने की परसेंटेज है ना, इसमें एक नीचे हाँ इसमें बीच में जो ये आइकन्स बने हैं ना छोटे छोटे, तीन आइकन बने हैं लेफ्ट साइड पर, इस पावर पर पॉइंट एक पे, पावर पॉइंट पे। जहाँ पर इसकी परसेंटेज बढ़ाते हैं ना स्क्रीन की राइट साइड में बिल्कुल कॉर्नर पर जाइए आप, उसमें तीन आइकन दिए हुए नीचे। यहाँ परसेंटेज लिखा है ना, 10% पे लिखा है, अभी आपकी स्क्रीन 10% दिखा रही है, उसको 100% कर देंगे। ओके okay। नहीं 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 इसके बराबर वाले में क्लिक करिए आप, एक छोटा सा और है ना एक आइकन, लेफ्ट साइड ये पे जो हाँ आइकन है ना, इसमें तीन बने हुए और हाँ ये एक वाला, ये आइकन वाला, इससे सबसे पहले, पहला वाला उससे पहले वाला और फर्स्ट लेफ्ट दूसरी साइड में, हाँ राइट साइड में जो थर्ड बना, हाँ इससे आगे वाला ये ये वाला, यस यस, नहीं, 100 के बराबर में, यस ये राइट। अभी शो हो रहा है ना? क्लिक करिए इसको, आपने क्लिक नहीं किया शायद। ये जो क्लिक करना है ये हमें इसमें जो 100 के बराबर में है ना वही क्लिक करना है। चलिए आप स्टार्ट कर दीजिए, कोई बात नहीं, जितना हो रहा है ना उतने से स्टार्ट कर लीजिए। F5 से भी नहीं हो रहा क्या? नहीं, स्लाइड शो जैसे मैं ये जानना चाह रहा था, मैं इस जो ऐप मैंने खोला हुआ है इसमें करना है या फिर जो मेरा प्रेजेंटेशन मैंने ओपन करा है उसमें करना है? प्रेजेंटेशन जो आपने ठीक ओपन किया है ना उसी में है ना, तो उसमें ये मैंने कर दिया है, आप उसमें लैपटॉप से कर रहे हैं ना? मैं हाँ डेस्कटॉप पे बैठूं। डेस्कटॉप पे है तो आपने जो स्लाइड शो वाला ऑप्शन है क्या चीज लिया उसमें? फुल योर एंटायर स्क्रीन, योर एंटायर स्क्रीन पे करिए आप।
स्लाइड शो पे गए थे ना, शायद अब हो जाएगी। चले खैर इसी से स्टार्ट कर दीजिए, प्रॉब्लम आ रही है मुझे लगता है। आप शुरू करें डॉक्टर अदनान, इसी से शुरू कर लें आप। ठीक है, तो जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो है मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। लास्ट जो वीक था उसमें डॉक्टर फारूक ने बहुत अच्छे तरीके से जो यूनानी पर्सपेक्टिव है ओबेसिटी का उसके बारे में पूरी डिटेल के तौर पे सारी डिटेल्स बताई थी कि किस तरह से यूनानी में ओबेसिटी का जिक्र है, क्या उसके कॉजेज हो सकते हैं यूनानी एतबार से, और जो असबाब सिकता ज़रूरिया है उसको बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और आज जो टॉपिक मैं डील कर रहा हूँ वो है मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो जो टॉपिक मैं अपनी प्रेजेंटेशन में कवर करने वाला हूँ उसमें सबसे पहली चीज़ रहेगी एक ब्रीफ थोड़ा सा ओबेसिटी के बारे में, मैं बताऊँगा कि क्यों इसको हम एक ग्लोबल एपिडेमिक बोल रहे हैं, कितना इसका प्रिवलेंस है और इसके क्या कॉजेज बेसिकली हो सकते हैं। उसके बाद में ओबेसिटी की वजह से क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कौन से डिजीज हो सकते हैं, वो थोड़ा सा डिस्कस करूँगा मैं ब्रीफ में। देन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो हम लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं वो है असेसमेंट टूल्स फॉर ओबेसिटी एंड इट्स मैनेजमेंट। मतलब आप अगर किसी ओबेसिटी के पेशेंट का ट्रीटमेंट आप कर रहे हो तो उसमें असेसमेंट उसका करना कि आप जो ट्रीटमेंट उसको दे रहे हो उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है, उसको आप किस तरह से असेस करोगे और उसको कैसे आप परखोगे अपने ट्रीटमेंट को कि उसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं इस अपनी प्रेजेंटेशन में डील करने वाला हूँ। और फाइनली आई विल कम टू मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी, किस तरह से आपको एक फाइनली जो आपका जो पेशेंट है उसको कैसे मैनेज करना है और कैसे उसको ट्रीटमेंट देना है। तो ओबेसिटी, सबसे पहले अगर हम ओबेसिटी को डिफाइन करें तो ओबेसिटी बोलते किसे हैं, बेसिकली ओबेसिटी बोलते हैं एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव फैट एक्युमुलेशन इन द बॉडी दैट प्रेजेंट्स अ रिस्क टू हेल्थ। मतलब जो फैट एक्युमुलेशन हो रहा है बॉडी में उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज जो हो रहा है बॉडी में उसको हम लोग बोलेंगे ओबेसिटी। और जैसे कि हम जानते हैं ये जो बीमारी है अभी बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हो गई है, पहले देखा जाता था कि ये जो बीमारी थी वो वेस्टर्न कंट्रीज जो है वहाँ पर ज़्यादा होती थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं हाई इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा ये जो है देखने में मिलती थी, लेकिन अभी जो है जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं और जो बोल सकते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनकी भी अर्बन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इससे अफेक्टेड है। बल्कि इंडिया में तो कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं जो ये प्रिडिक्ट कर रही हैं कि 2040 में जो प्रिवलेंस है इसका वो 3 गुना हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट जो अभी जितने केसेस हैं उससे 3 गुना बढ़ जाएंगे। तो अगर थोड़ा प्रिवलेंस के बारे में और कितना प्रिवलेंट है ये डिजीज़ उसके बारे में अगर बात करें तो WHO का जो डेटा कहता है वो ये बोलता है जो इसका प्रिवलेंस है वो 1975 से लेकर अब तक 3 गुना बढ़ चुका है ऑलरेडी, मतलब जो केसेस 1975 में थे उसके 3 गुना अब हो चुके हैं इसमें। दूसरी एक और स्टडी में जो 2016 में की गई थी उसमें ये पाया गया कि 1.9 बिलियन यानी ऑलमोस्ट 200 करोड़ लोग जो है 18 साल से ऊपर की एज वाले वो ओवरवेट पाए गए थे, और जिसमें से 650 मिलियन यानी 65 करोड़ लोग जो है वो ओबेसिटी से अफेक्टेड थे। तो आप देख सकते हैं ये जो पेशेंट का पूल है इसमें कितना बड़ा पेशेंट का पूल है, ऑलमोस्ट 25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आप मान सकते हैं जो इस बीमारी से या इस डिजीज से अफेक्टेड है।
कॉजेस पे आ जाते हैं कि किन वजूहात से ओबिसिटी हो सकता है, इनकी जो कॉजेज हैं, यूनानी जो कॉजेज हैं उसके बारे में डॉक्टर फारूक ने पिछली बार डिस्कस कर लिया था, तो मैं थोड़ा बहुत मॉडर्न की जो डॉक्टर साहब आपकी जो पावर पॉइंट है वो चेंज नहीं हो पा रही है, आपके वहाँ से चेंज हो रही है क्या? जी आप एक काम करें इसको दोबारा से हाँ अब आ गई, अब ठीक अब आ रहे हैं ना? हाँ हाँ अब आ, चलिए कंटिन्यू करिए। तो जो ये कॉजेस की मैं बात कर रहा था, तो हम बेसिकली ओबिसिटी होता कैसा है, तो एक नट शेल में अगर बोलें तो उसमें ये बोल सकते हैं कि जब कोई ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करेगा और उस और कम बर्न करेगा तो उसको ओबिसिटी हो जाएगा, दैट विल लीड टू ओबिसिटी। तो ज़्यादा एनर्जी इनटेक करेगा और फिजिकल एक्टिविटी कम रहेगी तो उसकी वजह से ओबिसिटी होगा, जो मॉडर्न में जो बोला जाता है एक नट शेल में एक बेसिक उसमें बोल सकते हैं। और बाकी अगर और दूसरे जो कॉजेज में इसमें अगर हम देख सकते हैं, सबसे पहला जो कॉज इसमें बोल सकते हैं हम लोगों, ईटिंग हैबिट्स हो गए या लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गए या लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना, वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ सकती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ओबिसिटी में, जिसमें आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारा वर्क शेड्यूल है वो इतना डिमांडिंग हो गया है, लोगों के पास टाइम नहीं है फिजिकल एक्टिविटी के लिए, खाना पीना ठीक से नहीं हो पा रहा है और बहुत इजीली हमें इस तरह की हाई कैलोरी डाइट जो है वो इजीली अवेलेबल है हर मार्केट में, कोई लोग भी टाइम बचाने के चक्कर में उसको कंज्यूम करते हैं, तो ये एक कॉज हो सकता है इन्वायरमेंटल अगर फैक्टर्स की हम लोग बात करें तो। दूसरा एक कॉज जो मॉडर्न में माना जा रहा है वो है इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब स्ट्रेस है, अगर किसी को कोई डिप्रेशन में है, कोई लो सेल्फ स्टीम है, तो उसमें ये देखा जाता है कि इन सारी वजूहात की वजह से जो भी इससे मुतासिर होता है वो ओवर ईटिंग करने लगता है, तो वो ओवर ईटिंग की वजह से बोला जा रहा है कि ये जो है ओबिसिटी का एक कॉज हो सकता है। दूसरे कुछ मेडिकल कंडीशन हो सकती हैं जैसे कि PCOS हो गया या और दूसरे जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं उनकी वजह से हो सकता है, या फिर फैमिली हिस्ट्री है, बहुत कॉमन है कि फैमिली में अगर रहा है तो जेनेटिक एक कॉज जो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है, जिसमें लेप्टिन जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है, जो फैमिली हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो लेप्टिन की जो डेफिशिएंसी है या लेप्टिन का अगर सही तरह से काम ना करना हो, लेप्टिन क्या है बेसिकली वो मैं अभी आगे अपनी स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरा जो एक मेडिकेशंस कुछ ऐसे होते हैं बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट या और दूसरे इस तरह के मेडिकेशंस बहुत सारे लोग लेते हैं, तो जिसकी वजह से ओबिसिटी जो है वो उसका कॉज हो सकता है। ये स्लाइड चेंज हो गया है मेरा सर? जी जी ठीक है, चलिए कंटिन्यू करिए आ रहा है। तो जो अभी जो नेक्स्ट है इसमें हेल्थ रिस्क क्या क्या हो सकते हैं ओबिसिटी की वजह से, क्या कॉम्प्लिकेशंस और क्या कौन सी डिजीज जो है इसकी वजह से हो सकती है, उसमें सबसे पहली जो चीज हम लोग बोल सकते हैं कि ओबिसिटी की वजह से हो रहा है, उसमें ये जानना जरूरी है कि वो किस वजह से हो रहा है, वो भी जो भी उसकी कॉम्प्लिकेशंस है या वो जो भी डिजीज पैदा कर रहा है या जिसकी वजह से एक एग्रीवेटिंग फैक्टर आप उसको बोल सकते हो, जो भी हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं एडिपोस सेल्स, वहाँ से एक एडिपोकाइंस करके होते हैं जो रिलीज होते हैं, वो बेसिकली जो है इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जिसको जिसमें IL-6 IL-10 और दूसरे TNF-alpha, ये इस तरह के जो मार्कर्स हैं ये जो है एडिपोस सेल रिलीज करता है, तो इन सेल की वजह से जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं ओबिसिटी या जिन डिजीज को ओबिसिटी कर रहा है वो इन्हीं सेल्स की वजह से कहीं ना कहीं होता है। अगर हम सिस्टमिक वाइज बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो इसमें हो सकता है वो कार्डियोवैस्कुलर अगर डिजीज और रेस्पिरेटरी हम लोग डिजीज में देखें तो सबसे पहला जो है वो हाइपरटेंशन,
जो हाइपरटेंशन है बेसिकली उसमें दो तीन चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं, जिसकी वजह से ओबिसिटी जो है वो हाइपरटेंशन प्रोड्यूस कर सकती है। जिसमें सबसे पहली चीज हो सकती है रेनिन एंजियोटेंसिन जो सिस्टम है और एल्डोस्टेरोन जो सिस्टम है उसकी वजह से वो अफेक्ट होता है तो हाइपरटेंशन हो सकती है। इसके अलावा ये जो है ओबिसिटी जो है वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा देती है और इंसुलिन और लेप्टिन जो है उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, जो जिसकी वजह से हाइपरटेंशन एक कॉज बन सकता है। दूसरा जो है ये जो प्रो कोगुलेटरी इफेक्ट है बेसिकली ओबिसिटी का, जो कोगुलेशन है वो बढ़ा देती है, तो दैट मे ऑल्सो लीड टू हाइपरटेंशन। वेरिकोज वेन बेसिकली ज़्यादा प्रेशर बनता है वेंस के ऊपर बिकॉज ऑफ ओबिसिटी, उसकी वजह से होता है। इसी तरह से स्लीप एपनिया भी जो है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से जो एयरवेज हैं उन पर बहुत ज़्यादा अपर एयरवेज खास तौर से उन पर प्रेशर बनता है, तो उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी एक तरह से सिस्टम है वो कलेप्स कर जाता है और वो रात में एकदम से उठ के बैठ जाता है और उसको सोने में दिक्कत होती है जो ओबिसिटी का पेशेंट होता है। एंडोक्राइन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायबिटीज़, हम लोग सब जानते हैं कि जो ओबिसिटी के जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है उनमें, और उसकी मेन रीज़न है इंसुलिन जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है ओबिसिटी, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ एडिपोकाइंस जो मैंने अभी बताया कि एडिपोस जो सेल्स हैं उनसे निकलता है, उसकी वजह से जो है अल्टीमेटली जो इंसुलिन सिग्नलिंग है, इंसुलिन जो सिग्नल करता है उसके इफेक्ट में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है और फिर ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वगैरह। इनफर्टिलिटी भी एक कॉज है, जो एक एस्ट्रोरोन करके एक हार्मोन होता है जो ओबिसिटी की वजह से वो बनता है, और वो जो है ओवेरियन और टेस्टिकुलर जो फंक्शंस होते हैं उसको डिस्टर्ब करता है बेसिकली, जिसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी भी एक उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है ओबिसिटी के। गॉल स्टोन्स हम सब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से, जिसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रहता है उसमें गॉल स्टोन्स भी बहुत प्रिवलेंट रहते हैं। फैटी एसिड का सेम वही फिनोमेना है, फैट्स जो है वो लीवर में जमा हो जाते हैं, उसके बाद में उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और ये इन्फ्लामेटरी मार्कर्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से वो फैटी लीवर भी देखने को मिलता है। या सिरोसिस भी बहुत कॉमन है ओबिसिटी के केसेस में। ऑस्टियोआर्थराइटिस या जो दूसरे स्किन के प्रॉब्लम्स है वो भी काफ़ी कॉमन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली मैकेनिकल जो लोड पड़ता है ओबिसिटी की वजह से जॉइंट्स पर, उनकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस और इस तरह के जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। मेलिग्नेंसी में कार्सिनोमा ऑफ कोलोन, रेक्टम, प्रोस्टेट, ये सब जो है जितने भी हैं ये बिकॉज ऑफ ऑल दोज जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जिनकी मैं बात कर रहा था वो ओबिसिटी में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एडिपोस सेल्स, जिसकी वजह से ये जो है उनमें कॉमन पाया जाता है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन हम लोग बहुत देखते हैं, जो भी ओबिसिटी के केसेस होते हैं उनसे लोग दूर भागते हैं, थोड़ा बहुत उनको इस तरह का स्ट्रेसफुल एक ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट जो है मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा था जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्यों ज़रूरी है ओबिसिटी के केस में क्लिनिकल असेसमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहली चीज़ है जो भी आपके पास केस आ रहा है ओबिसिटी का उस पर आप ब्लाइंडली आप ट्रीटमेंट आप स्टार्ट नहीं कर सकते कि हाँ इसका वेट इतना है हमें इसको वेट कम करना है। वो एक्चुअल में जो क्राइटेरिया है ओबिसिटी के ट्रीटमेंट का वो ठीक क्राइटेरिया नहीं है। तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, जब भी आपके पास कोई भी पेशेंट आ रहा है ओबिसिटी का, सबसे पहले आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए टू फाइंड आउट के अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट। जो भी ओबिसिटी का जैसे मैंने अभी डिफाइन किया या जो भी डेफिनेशन ओबिसिटी का, ओबिसिटी इज एक्युमुलेशन ऑफ फैट इन द बॉडी। तो जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि कितना बॉडी के अंदर फैट है तो जब तक आप कैसे उसको पता करोगे कि इसको ओबिसिटी है भी या नहीं, या इसको मुझे ओबिसिटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये हम कैसे देखेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि किसी जो भी आपके पास पेशेंट आ रहा है उसके अंदर कितना फैट है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो बॉडी का जो कॉम्पोजिशन है उसको देखते हैं, वो बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है। उस तरह ये बॉडी कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीज़ आती है वो मैं आगे स्लाइड में बताने वाला हूँ। दूसरा, उसकी हेल्थ हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है।
जिसमें फैमिली हिस्ट्री को लेना बहुत ज़रूरी रहता है, क्या उसको पहले से डिजीज़ है, वो सब लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो इसमें हम लोग देख सकते हैं क्लिनिकल असेसमेंट में, वो है उसका डाइट और फिजिकल एक्टिविटी की हिस्ट्री, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इससे हमें एक्चुअल में पता लगेगा उसकी जो एनर्जी नीड्स हैं, वो जो भी पेशेंट आपके पास आ रहा है कि वो कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है और कितना उसको डाइट की ज़रूरत है, और जो भी आप ट्रीटमेंट एडवाइस करोगे वो इसी के बेस पर एडवाइस करोगे। तो इसको पता करने के लिए कि डाइट की और फिजिकल एक्टिविटी क्या है उसकी, वो कुछ आप एक क्वेश्चन उससे पूछ सकते हो, जैसे कि यूजुअल उसका फूड इनटेक क्या है, या फिर जो पैटर्न है उसके खाने का वो क्या है, पोर्शन साइज कितना लेता है, जो खाना बनाने का तरीका है वो क्या है। इसी तरह से फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े भी सवाल आप उससे पूछ सकते हो कि फिजिकल एक्टिविटी कितनी वो कर रहा है, और कर रहा है तो कितने ड्यूरेशन के लिए कर रहा है, इंटेंसिटी कैसी रहती है, हार्ड फिजिकल एक्टिविटी है या मीडियम जिसको बोल सकते हैं उस तरह की फिजिकल एक्टिविटी है, ये सब चीज़ें आप उसमें पूछ सकते हो। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बॉडी कंपोजिशन को पता करना। जो पेशेंट आ रहा है आपके पास उसमें बॉडी कंपोजिशन क्या है, बॉडी कंपोजिशन से जो मेरा मतलब है वो क्या है ये जानना ज़रूरी है। बॉडी कंपोजिशन इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट एंड फैट फ्री मास इन द बॉडी, मतलब आप उसको डिवाइड करेंगे बॉडी में फैट कितना है और फैट फ्री मास कितना है। फैट फ्री जो मास है उसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मसल्स हो गए, बोन हो गई, वाटर हो गए, या प्रोटीन्स जिसको आप बोल सकते हैं, वो सब इसमें आ जाएगा। तो एक हो गया आपका फैट वाला पोर्शन और दूसरा हो गया फैट फ्री मास। इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे कि उसमें, अगर आपको ये चीज़ पता लग गया आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये ओबेसिटी का केस है भी या नहीं। तो इसको देखने के लिए दो चीज़ें हैं जो हम लोग अप्लाई करते हैं, जिनको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है फील्ड मेथड्स, या जिनको मैं बोलता हूँ क्लिनिकल मेथड्स भी बोल सकते हैं आप इनको। दूसरे हैं रेफरेंस मेजरमेंट टेक्निक्स। जो फील्ड मेथड्स हैं या क्लिनिकल मेथड्स हैं ये मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा, और रेफरेंस जो है वो ऐसे इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो रेफरेंस या ये मेथड हैं ये वाले बेसिकली रिसर्च में ज़्यादा यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में। जो फील्ड मेथड्स हैं ये आप अपनी क्लिनिक में इजीली सारे मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपके पास ओबेसिटी का केस आ रहा है तो उसको उसकी डायग्नोसिस के लिए, उसको असेसमेंट के लिए, इसमें सबसे पहली चीज़ आती है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। दूसरा आता है एंथ्रोपोमेट्रिक, जिसमें वेस्ट सर्कमफेरेंस और वेस्ट टू हिप रेशो हम लोग मेजर करते हैं। तीसरी चीज़ है स्किन फोल्ड थिकनेस। तो ये तीनों चीज़ों को मैं डिटेल में आगे बताऊंगा कि इनको कैसे कैसे देखना है और उनका क्या क्या रोल है और क्यों हम इन चीज़ों को देखते हैं। और जो हमारे रेफरेंस मेथड हैं जिनको मैं बता रहा हूँ, जो हम लोग रिसर्च में बेसिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिस में कम एक्चुअल में यूज़ होता है, उसमें सबसे पहली है बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस BIS, जिसमें क्या करते हैं हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रिकल जो करंट होता है वो बॉडी एक इक्विपमेंट होता है उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो पास किया जाता है, और इसमें बेसिकली जो रेजिस्टेंस है हम लोग वो देखते हैं, मेजर करते हैं रेजिस्टेंस कितना है। हम लोग सब जानते हैं फैट के थ्रू अगर कोई भी करंट पास होगा वो एज़ कम्पेयर टू वाटर या जो भी दूसरा मीडियम है, फैट क्योंकि ज़्यादा डेंस होता है तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। तो उसमें कुछ कैलकुलेशंस होती हैं और कुछ इक्विपमेंट होता है, उससे हमें इसमें पता लगता है कि बॉडी के अंदर कितना फैट है और कितना वाटर मास है। इसी तरह से दूसरा एक मेथड आता है जो हम लोग रिसर्च में यूज़ करते हैं, वो है अंडर वाटर वेन, मतलब एक चैम्बर होता है उसमें पानी भर देते हैं, जिसमें पेशेंट को बाहर उसका वेट लिया जाता है, फिर उसमें पानी में उतार के उसका वेट लिया जाता है। और इसमें भी वही कंसेप्ट अप्लाई होता है कि फैट जो है वो ज़्यादा डेंस होता है और एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो इसमें बेसिकली हमें वही बॉडी के अंदर कितना फैट का परसेंटेज है और कितना वाटर परसेंटेज है वो पता लगता है। आगे इसमें है CT, MRI और डेक्सा स्कैन। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कॉमनली अब जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। इससे बेसिकली हमें पूरी डिटेल पता लग जाती है कि बॉडी के अंदर कितना फैट मास है, कितना लीन मास है, कितना बोन मास है, ये सारी चीज़ें हमें इससे पता लग जाती हैं। और इसका जो अगर हम सर आपका स्लाइड जो फ्रीज हो गया सर, स्लाइड थोड़ा आगे बढ़ाइए, चल नहीं रहे।
पुराना वाला आ रहा है क्या, बॉडी कॉम्पोजिशन वाला आ रहा है क्या? नहीं, हेल्थ रिस्क वाला आ रहा है, हेल्थ रिस्क वाला चल रहा है, हेल्थ रिस्क वाला आ रहा है। एक बार इसको शॉर्ट कर लेते हैं सर, ये फिर दिक्कत हो रहा है ना ऐसे। दोबारा से वो कर लीजिए एक बार, शेयर दोबारा से शेयर कर लीजिए। अभी हो रहा है क्या? क्लियर? हाँ, अब ठीक है, हाँ ठीक चल रहा है, राइट। तो बॉडी कंपोजिशन के बारे में जैसे मैं बात कर रहा था, बॉडी कंपोजिशन में बेसिकली हम लोग यही देखते हैं कि फैट कितना है और फैट फ्री मास कितना है। हम सब जानते हैं कि बॉडी के अंदर 60-70% वाटर रहता है और फैट का परसेंटेज जो है वो 10-25% जो है मेल में रहता है और फीमेल में 15-30% रहता है। इसी तरह से प्रोटीन जो है 10-15% रहता है और जो दूसरे मिनरल्स हैं वो 3-5% रहते हैं। तो ये सब पता करने के लिए जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो जैसे मैं बता रहा था दो उनको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फील्ड मैथड्स या क्लिनिकल मैथड्स बोल सकते हैं, दूसरे जो रेफरेंस मैथड्स होते हैं या जो रिसर्च मेडिकल्स होते हैं। डेक्सा स्कैन की मैं बात कर रहा था, ये जो है पूरा हमें डिटेल बता देता है कि बॉडी के अंदर कितना फैट फ्री मास है और कितना फैट है या कितना बोन मास है, ये सारी डिटेल बता देता है। इसी तरह से एक और मेथड है जिसको बोलते हैं एयर डिस्प्लेसमेंट लेथिस्मोग्राफी। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये कंसेप्ट तो जैसे हम अंडर वाटर वेइंग करते हैं वही कंसेप्ट है सेम। इसमें पेशेंट को एक बॉड पॉट करके एक इक्विपमेंट होता है, उसके अंदर एक स्मॉल चैम्बर बना होता है, उसमें बिठा लेते हैं, तो बाहर उसका वेट करते हैं, अंदर में उसका वेट करते हैं। कंसेप्ट सेम है इसका, सिमिलर टू ये जो अंडर वाटरिंग वेइंग। और एक फाइनल जो मेथड इसमें यूज होता है वो डिल्यूशन मेथड या जिसको हाइड्रोमेट्री भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट को आइसोटोप लेबल्ड वाटर पिलाया जाता है, फिर उसके बाद उसके जो सैंपल्स हैं उसको एनालाइज किया जाता है। इसमें भी वही सेम टेक्निक होती है, ये दिया जाता है उसके बेस पे, यही सारी चीज़ है फैट को पता करने के लिए, फैट फ्री मास को पता करने के लिए, वाटर परसेंटेज को पता करने के लिए, वो सब के लिए ये दिया जाता है। अब मैं जैसे कि डिस्कस कर रहा था कि मैं यहाँ पे मेनली डिस्कस करूँगा फील्ड मेथड जो हम लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला चीज़ आता है बॉडी मास इंडेक्स। व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स? BMI इज द रेशियो ऑफ वेट टू हाइट, वेट इन किलोग्राम, हाइट इन मीटर स्क्वायर। बट ये जो BMI है, दिस कैन नॉट बी ओनली असेसमेंट टूल, मतलब ये सिर्फ एक असेसमेंट टूल नहीं हो सकता ओबिसिटी को मेजर करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये पूरा ओवरऑल वेट कंसिडर करता है। अगर आप BMI को पूरा डिपेंडेंट मान के अपना ट्रीटमेंट इसी के बेसिस पे स्टार्ट कर देंगे और पूरा अपने ट्रीटमेंट का एवेल्यूशन भी इसके बेस पे ही करेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि ये फैट जो है उसको कंसीडर नहीं कर रहा है, ये पूरे बॉडी के वेट को कंसीडर कर रहा है, जिसमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है कि फैट फ्री मास क्या है और फैट क्या है। जो नॉर्मल BMI हम लोग देखते हैं उसमें जो माना जाता है, जो अंडरवेट जो माने जाते हैं वो लेस देन, जिनका 18.5 आता है उनको अंडरवेट बोला जाता है। इसी तरह से जो नॉर्मल BMI है वो 18.5 से लेकर 24.9 तक जो है वो नॉर्मल माना जाता है। इसी तरह से अगर 25 से ऊपर और 29.9 तक है उसको हम ओवरवेट कैटेगरी में डालते हैं, और ओबीसीटी जो है वो 30 से ऊपर वाले में ओबीसीटी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो उसमें भी अलग अलग कुछ कैटेगरी बना दी गई है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 जो है वो 30 से लेकर 34.9, क्लास 2 जो है वो 35 से 39.9, और अबव 40 जो है वो क्लास 3 में आते हैं। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है BMI जो आप मेजर कर रहे हो? स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें उसमें ये बहुत इजी है मेजर करना, कोई आपको सिर्फ वेट लेना है और हाइट लेना है, उससे आप इसको मेजर कर सकते हो। इनएक्सपेंसिव है, कोई एज सच आपको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ ना कुछ होना हो इसके बहुत ज़्यादा फायदे ओबेसिटी इवैल्यूएशन में होना हो, लेकिन ये एक जो क्रॉनिक डिजीज़ है उसका जो रिस्क है वो तो एटलीस्ट बता ही देता है।
लिमिटेशन की जैसे कि मैं बात कर रहा था, आप सिर्फ बीएमआई पे डिपेंड नहीं कर सकते ओबेसिटी के केसेस में। क्यों? क्योंकि ये डिस्टिंग्विश नहीं करता, ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता बिटवीन बॉडी फैट एंड लीन बॉडी मास। जो फैट फ्री मास है और फैट बॉडी फैट है उसमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता। तो यू कैन नॉट ओनली डिपेंड ऑन बीएमआई फॉर इवेल्युएशन ऑफ योर पेशेंट्स। एंथ्रोपोमेट्रिक्स में जैसे मैं बात कर रहा था, वेस्ट जो सर्कमफेरेंस है वो पहली चीज, और वेस्ट टू हिप रेशियो, ये दो चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो और वो बहुत कॉमन है। ये क्यों हम देखते हैं? बेसिकली ये हम इससे हम इवेलुएट करते हैं पेशेंट के ऑब्डोमिनल ओबेसिटी को देखने के लिए, एब्डोमिन पे कितना फैट मौजूद है उसको बेसिकली इवेलुएट करने के लिए। इसको मेजर करने का बेसिकली क्या तरीका है? बहुत ईजी है। आपको सिर्फ एक जो नॉर्मल इंची टेप आता है उससे आप इसको मेजर कर सकते हैं। जो आपका लोएस्ट रिब होता है और जो नैरोएस्ट पोर्शन होता है आपके जस्ट अबव अम्बिलिकस, वहाँ पे आपको मेजर करना है, दैट इज योर वेस्ट रेशियो, वेस्ट सर्कमफेरेंस। जब आप जो कर्व, बेसिकली जो कर्व जा रहा है वहाँ पे जो सबसे नैरो वाला पोर्शन होगा उसको जब आप मेजर करेंगे, दैट इज योर वेस्ट सर्कमफेरेंस। और जो आपका हिप जो सर्कमफेरेंस है वो सबसे ब्रॉड वाला जो पोर्शन होगा, जो जिसको आप मेजर करेंगे उसको हम बोलेंगे हिप सर्कमफेरेंस। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो बेसिकली हम लोग देखते हैं, वो रेशियो कितना आ रहा है उससे हमें पता लगता है कि किसी में ओबिसिटी है या नहीं। तो इसमें कैसे देखते हैं, उसमें ये दे रखा है जो रिस्क कैटेगरी अलग अलग दे रखी है कि किसमें रिस्क ज़्यादा रहेगा अगर उसकी जो वेस्ट सर्कमफेरेंस इतनी है। तो लाइक जो फीमेल्स हैं उसमें अगर ये 27.5 इंचेस से कम है तो बहुत कम उसमें रिस्क रहेगा ओबिसिटी का या दूसरी और बीमारियां पैदा होने का। इसी तरह से अगर 31.5 से कम है मेल्स में तो उसमें भी कम रहेगा। लो कैटेगरी जो है वो 27.5 से लेके 35 इंचेस में रहती है फीमेल्स में, और मेल्स में जो रहती है वो 31.5 से 39 इंचेस। इसी तरह से जो हाई रिस्क कैटेगरी वाले पेशेंट्स रहेंगे उनमें 35.5 से लेके 43 इंचेस जो है वो फीमेल्स में, और मेल्स में 39.5 से लेके 47 इंचेस। और बहुत जो वेरी हाई रिस्क जिनको आप बोल सकते हैं जिसमें वेस्ट जो सर्कमफेरेंस है वो मोर देन 43.5 इंचेस आ रहा है, या मेल्स में जो है वो 47 इंचेस से ऊपर आ रहा है उसमें वो रहेगा। और वेस्ट टू हिप जो रेशियो है उसकी अगर हम बात करें तो जो फीमेल्स में है अगर वो उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे वेस्ट सर्कमफेरेंस जो आपका आया उसको हमने हिप जो सर्कमफेरेंस आया उससे डिवाइड कर दिया, तो उसमें अगर वो डिवाइड करने के बाद 0.85 से कम आ रहा है तो दैट इज कंसिडर एक्सलेंट। और अगर वो 0.75 से फीमेल्स में अगर 0.75 से कम आ रहा है दैट इज कंसिडर एज एक्सलेंट इन फीमेल्स। और रिस्क की अगर बात करें तो 0.95 से ज़्यादा अगर मेल्स में आ रहा है तो वो दैट इज कॉल्ड एज वो रिस्क फैक्टर्स में आ जाएगा, वो रिस्क जो पेशेंट है उसमें ओबिसिटी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसी तरह से फीमेल्स में अगर वो 0.86 से ज़्यादा आ रहा है तो उसमें ओबिसिटी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर इसके हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करें तो वही अगेन इजी टू मेजर और बहुत इनएक्सपेंसिव है, कुछ आपको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और बॉडी फैट से कहीं ना कहीं एब्डोमिनल जो फैट है उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ एक आइडिया दे ही देता है। बट जो प्रॉब्लम है वो इसमें हो सकती है मेजरमेंट प्रोसीजर्स में। हर बार आप जो मेजर कर रहे हो, चाहे आप पहली बार मेजर कर रहे हो, आपने जो नेक्स्ट फॉलोअप में आपके पास दोबारा पेशेंट आ रहा है उसको मेजर कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है क्योंकि आप मैनुअली उसको मेजर कर रहे हो। नेक्स्ट आता है स्किन फोल्ड थिकनेस। इसमें हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं हम जो सब क्यूटेनियस फैट है स्पेसिफिक लोकेशन में बॉडी के वो कितना है, वो हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो 50% बॉडी का फैट है वो दैट इज़ बीनीथ द स्किन, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है कि वो कितना है। इसको मेजर करने की बेसिकली कुछ साइट्स हैं स्पेसिफिक जहाँ पे आप जो है इसको स्किन इसको मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सब स्कैपुलर, सुप्राइलिंग और थाई, ये कुछ कॉमन साइट्स हैं जहाँ पे आप इसको मेजर कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे
आपको कैलिपर्स मिल जाएंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे इजीली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और इसको इजीली आप परचेज करके आप अपनी क्लिनिक में रख सकते हैं अगर आपके पास ओबेसिटी के केसेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा तो। और एक अच्छा इक्विपमेंट है सबक्यूटेनियस जो फैट है उसको मेजर करने के लिए। इसका टेक्निक वही होता है बेसिकली, इसमें जो भी साइट्स हैं ये पहली चीज़ तो ये, हमेशा जब भी आप स्किन फोल्ड थिकनेस मेजर कर रहे हो दैट हैज़ टू बी ऑलवेज मेजर्ड ऑन द राइट साइड ऑफ बॉडी। आप देखोगे इसमें जितने भी फिगर्स हैं वो हमेशा वो राइट साइड ऑफ बॉडी में ही मेजर कर रहे हैं। उसका रीज़न बेसिकली यही है कि जो कॉमन एक ट्रेंड रहना चाहिए, ताकि आप ऐसा ना हो कि एक बार आपने राइट में ले लिया फिर नेक्स्ट टाइम लेफ्ट में ले लिया, उससे जो आपकी रीडिंग्स है उसमें डिफरेंस आ सकता है। तो जो सबसे पहली चीज़ इसमें हम लोग जो मेजर करते हैं, इसको मेजर करने का तरीका वो यही है कि पिंच करते हैं स्किन को, पिंच करने के बाद उसको पकड़ने के बाद जो हमारा कैलिपर होता है उसको आप उससे मेजर इसको कर लेते हैं पिंच करने के बाद। तो जो भी रीडिंग आती है उसको हम नोट डाउन करते हैं और उसको फिर इवेल्युएट करते हैं कि वो क्या रीडिंग आ रही है। तो जो स्किन फोल्ड थिकनेस की जो रीडिंग्स हो सकती हैं वो मान लीजिए अगर 6 mm आ रही है तो वो हमें बताएगी बॉडी के अंदर कितना ये परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट है बेसिकली। और ये जो जितने भी आप कैलिपर्स खरीदते हैं उनके साथ में ये चार्ट बना हुआ आता है ऑलरेडी कि आपने मेजर करा है तो कितना मेजरमेंट आया है उसमें कितनी बॉडी फैट जो है परसेंटेज हो सकता है। तो अगर मान लीजिए 6 mm आ रहा है तो ये बोला जाता है वो उसके अंदर 5 to 9% जो है वो बॉडी फैट हो सकता है मेल्स में। और फीमेल्स में अगर 6 mm आ रहा है तो उसमें 8 से 13% हो सकता है। इसी तरह से अगर वो हायर उसकी रीडिंग्स पे जाए जैसे 38 mm अगर आपकी रीडिंग आ रही है स्किन फोल्ड थिकनेस की तो उसमें परसेंटेज जो बॉडी फैट रहेगा वो 22 से 27% रहेगा मेल्स में और फीमेल्स में 28 से 33% रहेगा। तो ये जो तीन टेस्ट थे बेसिकली ये आप अपनी क्लिनिक्स में इजीली कर सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत इजीली हो जाते हैं। अब ये देखना ज़रूरी रहता है कि जो आपके पास रीडिंग आई है उससे आपको क्या पता लग रहा है कि वो जो बंदा है उस जो आप पेशेंट आपके पास आ रहा है क्या वो ओबीस कैटेगरी में आ भी रहा है या नहीं। मान लीजिए अगर कोई जो मेल अगर कोई पेशेंट है तो जिसके अंदर 6 से 13% जो है बॉडी फैट परसेंटेज आ रहा है तो उसको आप किस कैटेगरी में, वो एथलीट वाली कैटेगरी में है मतलब वो फिट है। इसी तरह से जो फिटनेस वाली कैटेगरी रहती है वो 14 से 17% या जो एक्सेप्टेबल लिमिट है मेल्स में वो 18 से 25% है। इतना बॉडी फैट परसेंटेज है तो वो ठीक है बॉडी के लिए, या फीमेल्स में 25 से 30 है तो वो ठीक है। और ओबीस हम किसको कहेंगे या ओवरवेट हम किसको कहेंगे, जहाँ मेल्स में 26 से ज़्यादा आ रही है, 26 से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट है, या फीमेल्स में 31 से ज़्यादा। तो अब मैं बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट ऑफ ओबिसिटी का, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ओबिसिटी, हमने देखा होगा अपने आसपास में भी घरों में भी, जाकर सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है डाइटिंग कैसे करें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कहाँ जाएं किसको दिखाएं। और ख़ास तौर से जो मॉर्बिड ओबिसिटी वाले केसेस रहते हैं जहाँ पे BMI जो है वो 35 से ऊपर रहता है, उन केसेस में बहुत ज़्यादा लोगों में जद्दोजहद चलता है कि वो हैवी मेडिसिन लें, या फिर जो इतने सारे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे, प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे ऑनलाइन भी गूगल पे हर जगह वो खाएं, या फिर सर्जरी के लिए जाएं जिसमें गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी या लाइपोसेक्शन वगैरह इस तरह की सर्जरी होती है। तो मैं ये बोलता हूँ कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कि यूनानी में ही सब कुछ है, यूनानी में ही इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो क्यों ना उसको यूनानी से ही ठीक कर लें। तो यूनानी में बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ ओबिसिटी का क्या उसूल इलाज क्या दिया गया है, उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आता है तादीली मिजाज, करेक्शन ऑफ सूए मिजाज। जैसे कि लास्ट प्रेजेंटेशन में जो हुई थी जिसमें यूनानी के एतवार से बताया गया था कि ये एक तो बलगम ही लोगों में ज़्यादा मिलता है, और सूए मिजाज में जैसे कि वही बात आती है कि जहाँ पे बारिद रकम मिजाज रहेगा वहाँ पे ज़्यादा प्रेविलेंट रहेगा। तो वही हमें देखना है कि उसका क्या मिजाज चेंज हुआ है, क्या सूए मिजाज है, उसका जो करेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड जो कंसेप्ट आता है वो तजफीफ बदन यानी डेसिकेशन या ड्राइनेस बॉडी के अंदर पैदा करना, और जो
तीसरा पॉइंट है वो तहजील टू इंड्यूस वेट लॉस। ये हम कैसे कर सकते हैं, ये बेसिकली हम लोग इसमें एक्सरसाइज भी आ सकती हैं, मेडिकेशंस भी आ सकते हैं वेट लॉस वेट कम करने के लिए। और जो हम आप वेट कम कर रहे हो उसमें कितना करना है, तो इनिशियल जो आपका वेट पेशेंट आ रहा है उसमें इनिशियल एम होना चाहिए उसका 5 से 10% जो उसका टोटल बॉडी वेट है उसको कम करने का इनिशियली। उसको फिर बाद में आप आगे बढ़ा बढ़ा के या उसको कम कर से उसी तरह से कम करना है आपको। एम जो है वो 5 से 10% का ही लेके चलना है उसके टोटल बॉडी वेट से। और जो तीसरा और लास्ट फोर्थ और जो लास्ट पॉइंट है वो तकलीन गिजा, यानी जो क्वांटिटी है उसको रिड्यूस कर देना। इस गिजा के बारे में तो लास्ट टाइम में बहुत डिटेल में सारा मिजाज से कैसे क्रोप को रिलेट करते हैं और कैसे कौन कौन सी गिजा लेनी चाहिए उसके बारे में बहुत डिटेल में लास्ट जो वीक में प्रेजेंटेशन हुआ था उसमें बताया था। बेसिकली इसमें जो बात बोली जा रही है टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ फूड, तो रिड्यूस कैसे करेंगे वो बेसिकली बात हो रही है कैफियत की भी यहाँ पे क्वांटिटी के साथ साथ। कैफियत में जिसको हम बोल सकते हैं कैलोरी की, कैलोरी जो है वो आपको इनिशियल एम जैसे कि मैंने बोला जो है वो जो भी उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है बॉडी की ओबेसिटी वाले केस में ओबेसिटी के पेशेंट में उसमें इनिशियल जो आप टारगेट लेके चलते हो 500 से 1000 किलो कैलोरीज जो है वो पर डे के हिसाब से आप लेके चलते हो। तो अगर आप ये इतना लेके चलोगे तो वो एक्सपेक्टेड होता है कि वो 0.5 से 1 kg वेट पर वीक लॉस करेगा पेशेंट। अभी जैसे कि मॉडर्न में भी बताया गया है या इसको मैनेजमेंट कैसे करना है, तो हम हमारा जो मैनेजमेंट का टारगेट होना चाहिए दैट शुड बी होलिस्टिक, और वो कन्वेंशनल कैलोरी रिडक्शन वाला अप्रोच नहीं होना चाहिए कि आप पेशेंट आपके पास आया कि हाँ इसको ये खाना बंद करवा दो, इसको ये एक्सरसाइज करवा दो, ये सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पूरा उसका पहले आपको इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है, उसकी एनर्जी नीड्स कितनी है, वो कितना खाना खा रहा है, उसको कितना रिक्वायरमेंट है कि इतना करने पे हम इसका वेट जो है वो कम करवा सकते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ इसको होलिस्टिक अप्रोच के तौर पर हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। मॉडर्न भी यही बोलती है कि उसमें लाइफ स्टाइल चेंजेस आप करवाइए और न्यूट्रिशन उस हिसाब से दीजिए, थेरेपी दीजिए, या फिर फाइनली आपको जब रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर सर्जरी में जाइए। यूनानी अखबार से भी अगर आप बात करें तो वहाँ भी यही सेम चीज़ें आती हैं, फार्माकोथेरेपी जिसको इलाज बिल दवा कहते हैं, या रेजिमिनल थेरेपी इलाज बिल तदबीर जिसमें एक्सरसाइज वगैरह और वो सब लाइफ स्टाइल वाले चेंजेज हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, और डाइट थेरेपी या फिर इलाज बिल देना। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो हम लोग जो देखेंगे वो है फार्माकोथेरेपी या इलाज बिल दवा। मेरा ऐसा मानना है कि हमें इलाज बिल दवा का एक्चुअल में बहुत ज़्यादा रोल है नहीं ओबेसिटी में। बहुत अच्छे मतलब आप कुछ हद तक मेडिसिन दे सकते हो, बट अगर आपका पेशेंट जो आप उसको डाइट प्रिस्क्राइब कर रहे हो, जो आप उसको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करोगे, अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपको रिजल्ट्स मिले। जो हम यूनानी की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे मुफरदात और मुरक्कबात बताए गए हैं, इसमें बहुत सारी स्टडीज़ भी कंडक्ट की हैं उनकी एंटी ओबेसिटी एक्टिविटी के बारे में, जिसमें एक जो दवा जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो है मकसूल, लुक मकसूल। लुक इसको हम लोग बोल भी सकते हैं कि यूनानी में ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। बेसिकली लुक है क्या, लुक जो है वो एक कीड़ा होता है कैरियर लैका, जो इस तरह के पेड़ पे जहाँ पे जैसे पीपल के पेड़ों पे वहाँ पे अपना जो एक रतूबत जो है वो छोड़ता है, और जो ये रतूबत है उसको वहाँ से निकाल लिया जाता है और उसको फिर दवा के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो पिक्चर में ये इस तरह का कुछ होता है। जो लुक है उसको धोना बहुत ज़रूरी है, मकसूल इसीलिए लिखा गया है क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, इसलिए उसको धोना बहुत ज़रूरी है। उसका तरीका धोने का यही होता है कि पहले उसको गर्म कर लिया जाए, गर्म करने के बाद में उसको पानी में डाल देते हैं, जो लुक होता है वो पानी के ऊपर रहता है और जितना भी गुबार है वो पानी के नीचे चला जाता है। तो लुक का जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, उसमें इसको आप जो लुक मकसूल है उसको 3 ग्राम एम्प्टी स्टमक पे सुबह मॉर्निंग के समय दे सकते हैं खाली पेट। इसके अलावा 3 ग्राम आप विनेगर के साथ भी दे सकते हैं,
और ये भी आपको सुबह में खाली पेट ही देना है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मुफरदात हैं जो जो मैं बात कर रहा था कि करेक्शन ऑफ मिजाज या सुए मिजाज के लिए, वो आप एक नुस्खा बना के दे सकते हैं, बट उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, वो आपको इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट ही देना पड़ेगा आपको। तो पेशेंट आ रहा है, उसका क्या मिजाज है, और उसके हिसाब से उसको आपको उसका जो नुस्खा है वो बना के देना पड़ेगा। तो ये जितनी भी लिस्ट है, अगर आप देखोगे यहाँ पे जितनी लिस्ट है, एक तो इन सारा जो कॉमनली यूज होती हैं, ये सब जो है हार्ड याबिस मिजाज रखने वाली सिंगल ड्रग्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। और ये जितने डिजीज हैं, इनका जो बेसिक अफाल होगा उसका यही होगा, करेक्शन ऑफ डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, और इनमें से बहुत सारी दवाएं जो है वो मुकव्वी मैदा होंगी या मोहर्रिक होंगी या फिर मोहल्लिल होंगी। ये सब जो ड्रग्स हैं इनके अलग अलग डोजेज भी बताई गई हैं अलग क्या और कितने उसमें, बट ये अगेन वही है, आप इसको इंडिविजुअलाइज करके ही इसको देना पड़ेगा। आपका जो पेशेंट आ रहा है वो कंप्लेंट जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको देना पड़ेगा। मुरक्कबात में कुछ जो मुरक्कबात मैं भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कॉमनली यूज करता हूँ, जिसमें सफूफ मुहज्जल आप दे सकते हैं, इसके अलावा दवाल लुक आप दे सकते हैं, ट्रिपल सगीर, जवारिश कमुनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जवारिश फलापली। अगेन इसमें भी वही है, जितने भी ये ड्रग हैं ये कुछ जो है मॉर्रिक हैं, कुछ डाइजेशन को करेक्ट करती हैं, कुछ जो इस्तेहाला है या मेटाबॉलिज्म है उसको ठीक करती हैं, कुछ कब्जी मैदा है। तो यही सब जो ड्रग्स हैं वो यूनानी में बतौर इलाज की दवा यूज की जा रही है। अब जो सेकंड पार्ट जिसमें मैं आना चाह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वो है इलाज बिल तदबीर और इलाज बिल गिजा। तो ये जो पार्ट है आपको इसमें, इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको बेसिकली दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें पहली चीज़ है, कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है कि उसको एक्चुअल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी पेशेंट आपके पास आ रहा है कि वो एक्चुअल कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो देखना, वो जब तक आपको नहीं पता लगेगा तब तक आप उसको एडवाइज़ ही नहीं कर सकते कि हाँ आपको इतनी देर एक्सरसाइज करनी है या आपको इतनी गिजा लेनी है या ये आपको गिजा लेनी है। ये हम कैसे देखते हैं, इसमें आप सब जानते हैं BMR जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है वो क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल functioning of the body or the person who's at the mental and physical rest और ये जो है इसको हम evaluate करते हैं। इसको measure कैसे करते हैं basically, इसमें सबसे पहली चीज़ होती है heat जो भी release हो रही है body से वो हम देखते हैं, और उसको consumption कितना हो रहा है, इसका एक specific apparatus आता है जिसके थ्रू BMR को evaluate करते हैं। BMR का रोल क्या है basically obesity में ये जानना बहुत ज़रूरी है। BMR जो है उसको हम एक तरह से ये बोल सकते हैं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओबेसिटी, जहाँ BMR ज़्यादा बड़ा रहेगा वहाँ पे ओबेसिटी जो है वो कम हो जाएगी, या ओबेसिटी जहाँ ज़्यादा रहेगी वहाँ पे BMR जो है बड़ा रहेगा। इस तरह से इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं, कैटेगरी डिवाइड करते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि अगर कोई आपके पास पेशेंट आया, मान लीजिए वो नॉर्मल ओवरवेट है और उसमें बेसिकली जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वो फॉलो कर रहा है या मॉडरेट लाइफस्टाइल वो फॉलो कर रहा है या एक्टिव है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, ये एक कैटेगरी हो गई। अब इसमें हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मान लीजिए एक 75 kg मेल आपके पास आता है जिसकी हाइट है 1.8 मीटर और वो मॉडरेट एक्टिविटी करता है, उससे आपने पूरा हिस्ट्री लिया तो आपको ये पता लगा कि वो मॉडरेट एक्टिविटी करता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं, थोड़ा बहुत ही उसका एक्टिविटी। तो इसमें हम लोग एनर्जी कैसे इवेल्युएट करते हैं, सबसे पहले हम उसका देखेंगे BMI कितना है। BMI इसका यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 23, 75 × 1.8 × 1.8 तो BMI जो इसका आया है वो 23, तो ये 23 जो है कैटेगरी में आ रहा है, और इससे हमें पता लग रहा है ये नॉर्मल रेंज में है जो इसका BMI, तो और वो मॉडरेट एक्टिविटी कर रहा है। तो इसमें हम लोग कैलोरी रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे, एनर्जी इनटू वेट, यानी एनर्जी क्या है 35, ये जो मॉडरेट एक्टिविटी वाले हम टेबल में देखेंगे
क्योंकि नॉर्मल वेट है, कैटेगरी जो है वो नॉर्मल वाली है, और इसमें जो मॉडरेट एक्टिविटी है उसमें 35 आ रहा है। तो जो 35 है जो 35 जो हमारा एक्टिविटी आ रही है उसको हम लोग इसके वेट से डिवाइड करते हैं। तो ये एक जो मेल आपके पास पेशेंट आया 75 केजी का, इतनी उसकी हाइट थी, उसमें डेली उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी हुई 25 किलो कैलोरीज पर डे। तो आपको एक पेशेंट का ये पता लग गया कि इसको डेली की कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। अब जो उसका ट्रीटमेंट होगा या उसको जो भी आपको इलाज बिल गिज़ा बताना है या इलाज की तदबीर बताना है वो आप इसी के हिसाब से बताओगे कि ये कंसिडर करोगे कि आप वो कितनी कितनी एक्टिविटीज़ कर रहा है उसके हिसाब से, ये देखने के लिए कि उसकी जो एनर्जी है, जो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उससे ज़्यादा कैलोरी जो है वो ज़्यादा उसको नहीं मिलनी चाहिए, उससे कम ही मिलनी चाहिए, तभी तो वेट रिड्यूस हो पाएगा। इलाज बिल गिज़ा के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। लास्ट जो प्रेजेंटेशन हुई थी उसमें पूरा माकूल मशरूब पे बहुत अच्छा डिटेल में बताया था। तो इलाज बिल गिज़ा में हम लोग वही 3-4 चीज़ें जो कंसिडर करते हैं, कमियत एंड कैफियत, वॉल्यूम और कैलोरीज जिसको हम बोल सकते हैं, मिजाज हम कंसिडर करेंगे पेशेंट का भी, उसी के अकॉर्डिंग उसको जो डाइट है वो प्रिस्क्राइब की जाएगी। इसी तरह से क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है डाइट थेरेपी के दौरान, एज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाइट में। ओल्ड एज पेशेंट है उनको आप बहुत ज़्यादा जो बहुत देर में हजम होने वाली मतलब ऐसी डाइट आप उनको ऑब्वियसली प्रिस्क्राइब करेंगे जो इजीली हजम हो जाए। और टाइमिंग ऑफ फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आजकल हम देखते हैं कि लोगों के पास टाइम नहीं है और बहुत जो ईटिंग हैबिट्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो मैं बेसिकली टाइमिंग ऑफ फूड को लेके थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जो यूनानी में इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। पहली चीज़ है ईट लेस एंड लिव बेस्ट, मतलब तकलीले गिज़ा इसको हम लोग बोल सकते हैं। और जैसे कि लोग बोलते हैं कि डाइटिंग वगैरह अगर कर रहे हैं तो एक टाइम का खाना बंद कर दें या ये स्किप कर देते हैं मील को। हमारे यहाँ मेरे यहाँ जितने पेशेंट आते हैं ओबेसिटी के, तो जो हमारा यहाँ पे जो डाइट क्लिनिक है अलग से एक डिपार्टमेंट है, वो उन सभी ओबेसिटी के पेशेंट को फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल मील वाला जो कंसेप्ट है वो फॉलो करने के लिए बोलता है। लेकिन आजकल जो है वो एक्चुअल में उल्टा हो रहा है, लोग जो है इसका उल्टा ही करते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और फिर वो गैप कर लेते हैं बीच में, जो एक्चुअल में राइट टेक्निक नहीं है वेट लूज करने के लिए। ईट 1/3 ऑफ योर स्टमक कैपेसिटी, बहुत मतलब जो भी आपकी कैपेसिटी है उससे कम खाइए। ब्रेकफास्ट जो है वो हम लोग जैसे यहाँ पे जितना भी हम लोग डाइट चार्ट बनवा के देते हैं अपने डिपार्टमेंट से, जो डाइट क्लिनिक वाला डिपार्टमेंट है उसके, तो उसमें यही रहता है कि हैवी ब्रेकफास्ट कीजिए और जो लंच है आपका वो मीडियम एक बोल सकते हैं उस तरह का रहना चाहिए, और जो डिनर है वो बहुत ही कम रहना चाहिए, हमेशा बैठ के खाना चाहिए। दूसरा, जब आप खाना खा रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से चबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो उसका जो हजम का पूरा प्रोसेस है वो ठीक ढंग से हो पाए, और उसके बाद जज्ब का प्रोसेस है वो भी ठीक ढंग से हो पाए। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है टू ड्रिंक वाटर बिफोर फूड, हमेशा तीन जैसे कि हम लोग क्या बताया ही गया है कि 3 घूंट में पानी पीना चाहिए। खाने के बाद एकदम से पानी पीना जो है वो एक अच्छी टेक्निक नहीं है, अच्छा एक तरीका नहीं है, बट लेकिन आजकल तो ये कॉमन ट्रेंड बन गया है कोल्ड ड्रिंक्स का, आइस ड्रिंक्स का या डेजर्ट्स वगैरह जितने हैं उन सब का। फ्रूट या सैलेड अगर आप ले रहे हैं तो इट इज़ प्रेफरेबल कि आप उसको खाने से पहले लीजिए। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए जब आप खाना खा रहे हैं वो आप जब रात को सो रहे हैं उससे एटलीस्ट 3 घंटा पहले आप खाना खा लें ताकि उसको हजम होने का पूरी तरह से टाइम मिले। खाने के बाद में एक शॉर्ट नैप लेने से एक भी ज़रूरी है जो बताया गया है हमारे यूनानी बुक्स में। खाने के बाद में 40 स्टेप बोला गया है चलने के लिए, 40 नहीं तो अब थोड़ा बहुत चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना खाने के बाद एकदम से लेट जाना या फिर बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म कर देना,
इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। जो नेक्स्ट मैं जिस पे आ रहा हूँ वो है रेजिमिनल थेरेपी, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं इलाज बिल तदबीर यूनानी में। बेसिकली इसमें सबसे पहली चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रियाजत, फिज़िकल एक्सरसाइज। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियाजत बेसिकली क्या करती है, बॉडी के अंदर इट प्रोड्यूसेस हरारत गरीजा, जिसको हम इनेट हीट भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ड्राइनेस पैदा होती है, BMR डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ओबिसिटी के पेशेंट्स में खासतौर से। टू रिड्यूस स्लीपिंग टाइम, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया BMR हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद ओबिसिटी। तो जो जैसे कि बोला गया है BMR जो है वो जब आप सो रहे होते हैं उस टाइम पे BMR जो है वो रिड्यूस करता है। तो इसीलिए जैसे मैंने बोला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए ये हमारे यूनानी में भी वही सेम कंसेप्ट है कि जो स्लीपिंग टाइम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सोते टाइम पे एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी के अंदर, तो वो स्लीपिंग टाइम जो है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए, बट इतना नहीं कम कर देना चाहिए कि जो उसको एडिक्वेट जो है पूरा नींद ही नहीं मिल पाए। हमामे याबिस यानी ड्राई बाथ एम्प्टी स्टमक पे, ये आप दे सकते हैं हमामे मुहल्लिल, इसहाल, इदरार, ये दोनों चीज़ें जो है ये आप बेसिकली वही करेक्शन ऑफ मिजाज, सुई मिजाज को ठीक करने के लिए और उस सब में ये सब दोनों जो प्रोसीजर हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और डायफ्रोसिस जो है आप तारीख जो है वो उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं पसीने लाने के, इसमें से हमामे याबिस भी एक तरीका है। अब जो भी आपके पास पेशेंट आ रहा है उसमें ये देखना ज़रूरी है कि उसमें एक्चुअल में वो किस तरह की उसकी फिजिकल एक्टिविटी है अभी फिलहाल में, और हमें किस तरह की उसको फिजिकल एक्टिविटी देनी है। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो जो वो एक्टिविटी करता है उसमें कितनी एनर्जी जो है वो एक्सपेंडिचर होता है। तो अब जैसे बहुत सारी जो हम डेली टू डेली एक्टिविटी करते हैं, जो भी आप एक मैं एडवाइस फिजिकल एक्टिविटी एडवाइस करते हो किसी भी पेशेंट को, उसमें हम लोग ये चीज़ें बहुत सारी देखते नहीं हैं कि वो अपनी जो डेली टू डेली एक्टिविटी है उसमें कितनी फिजिकल एक्टिविटी है। हम सिर्फ यही काउंट करते हैं कि वो क्या एक्सरसाइज कितनी कर रहा है, कितना देर का, आधे घंटे का कर रहा है, एक घंटे का कर रहा है, ये सिर्फ हम देखते हैं। बट उसमें ये चीज़ देखना भी बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो डेली टू डेली एक्टिविटी है, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इस तरह के काम करते हैं जहाँ पे उनको फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि वो जो एक्टिविटी कर रहा है उसमें कितनी एनर्जी जो है वो एक्सपेंडिचर हो रहा है। जैसे कि अगर फीमेल पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं आपके पास, फीमेल पेशेंट्स आती हैं, उसमें बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि घर का काम होता है, बट घर के काम में भी जो है एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। तो उसमें ये एक टेबल है जिसमें ये बताया गया है किस किन काम करने में कितना एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर कोई डस्टिंग कर रहा है, तो अगर मान लीजिए 20 मिनट तक किसी ने डस्टिंग करी तो उसमें 45 कैलोरीज जो है वो बर्न हो जाएंगी। अगर कोई 120 पाउंड का कोई भी पेशेंट है या कोई भी अगर इंडिविजुअल है, तो या इसी तरह से अगर कोई कार वॉशिंग कर रहा है तो उसमें 63 कैलोरीज हो जाएंगी या 74 हो जाएंगी, या 150 पाउंड है 86 हो जाएंगी अगर 170 pounds का जो है वो अगर कोई इंडिविजुअल है। तो अब हमें ये पता लग जाएगा इससे कि हाँ वो इतनी एनर्जी एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप उसको एक्सरसाइज जो भी आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो, हम लोग जानते हैं बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक्सरसाइज करने के, जिसमें रनिंग हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, तो उनमें भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो उन एक्सरसाइज में कितनी कैलोरी एक्चुअल में बर्न होती है, कितना जो है एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर जैसे हम लोग इसमें एग्जांपल लें, कोई भी एक साइकिलिंग का ही ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई 100 पाउंड्स का कोई बंदा है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो साइकिलिंग अगर कर रहा है, तो उसमें जो है 30 मिनट में 180 कैलोरी वो बर्न कर सकता है। तो ये बेसिकली चार्ट रहना आपके पास बहुत ज़रूरी है जब भी आप किसी भी पेशेंट की एनर्जी नीड्स जो है वो
उसको बता रहे हो को उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या उसको कितना फिजिकल एक्सरसाइज करना है, उसको 1 घंटा करना है या 2 घंटा करना है या और ज़्यादा टाइम तक करना है, उसमें ये चीज़ इवेल्यूएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस वो कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है और कितनी उसको और ज़्यादा ज़रूरत है। जो एक अमेरिकन कॉलेज है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का, उसने बेसिक एक जनरलाइज तौर पे कुछ चीज़ें बताई हैं कि कितना एक्सरसाइज बेसिकली करना चाहिए। तो जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई 150 मिनट पर वीक एक्सरसाइज कर रहा है दैट इज इनफ टू मेंटेन एंड इम्प्रूव योर रैंक। अगर कोई 150 से 250 मिनट पर वीक एक्सरसाइज कर रहा है तो वो हेल्प करेगी वेट गेन को प्रिवेंट करने में, या इसी तरह से अगर कोई 250 मिनट पर वीक से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है तो वो बेसिकली वेट लॉस जो है उसके लिए उसको बोला गया है कि अगर वो इतना करेगा तो उसको वेट लॉस जो है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होगा, यानी उसके रिजल्ट्स उसको मिलेंगे। या अगर कोई 200 से 300 मिनट पर वीक एक्सरसाइज कर रहा है, वो लोग खासतौर से जैसे ओबेसिटी के जो केसेस पेशेंट्स हैं जिन्होंने वेट रिड्यूस कर लिया वेट लॉस कर लिया, तो उनको फिर फर्दर ये नहीं है कि छोड़ देना है एक्सरसाइज को, अगर वो इतना करेंगे तो फिर दोबारा से उनको वेट गेन नहीं होगा। अब फर्दर ये एक जनरलाइज तौर पे बताया गया है, वही मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि आप इसको हमेशा आपको इंडिविजुअलाइज ही करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि हमें इतना ही बताना है हर पेशेंट को, आपको पहले कैपेसिटी देखनी होगी किस पेशेंट की कितनी कैपेसिटी है, उसकी क्या चॉइस है, वो किस तरह की एक्सरसाइज करना पसंद करता है और उसकी एबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से आप ये डिसाइड करोगे कि हाँ इसको ये एक्सरसाइज हमें देनी है या इतने ड्यूरेशन तक हमें देनी है। और उसमें वो सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आपको कितनी उसकी एनर्जी जो है वो रिक्वायरमेंट्स को उतनी कितनी कैलोरीज को आपको कम करना है उसमें। जिसकी यूनानी के एतबार से अगर बात करें एक्सरसाइज में, जैसे बोला गया कि आपको कब रोकना है, कब ये पता करना है कि हाँ आपको इतनी एक्सरसाइज करनी है, जिसमें स्किन का कलर एक देखा गया है, बोला गया है कि स्किन का कलर देखना है। अगर स्किन का कलर जो है रेड रह रहा है, उसमें सुर्खी है, तो आपको जब तक आप एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर वो पेल हो जा रहा है या फिर जर्द हो जा रहा है तो आपको एक्सरसाइज बंद कर देना। इसी तरह से बॉडी के मूवमेंट अगर इजीली हो जा रहे हैं आपके, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें आपको दिक्कत नहीं आ रही है करने में, तो तब तक आपको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। तीसरा जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि आपको अगर पसीना नहीं आ रहा है तब तक आप एक्सरसाइज कीजिए, या आपके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, अगर मसल्स हैं वो अगर पंप हो जा रहे हैं, वो उसमें हरकत है और वो पंप हो जा रहा है इजीली, तब तक आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करिए। जब वो कम हो जाए, जब बंद हो जाए, उस तरह से आप नहीं उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, तब आपको एक्सरसाइज को है जो रोक देना चाहिए। अब जो मेरे यहाँ जहाँ जो पेशेंट्स आते हैं जिनको मैं देखता हूँ, और क्योंकि हमारा एक आयुष डिपार्टमेंट है पूरा, उसमें योगा का भी डिपार्टमेंट है, तो मेरे यहाँ जो जैसे कि मैं बोल रहा था, हम लोग होलिस्टिक अप्रोच से ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट मेडिसिन भी लेता है, पेशेंट को इलाज भी कीजा या जो भी उसकी डाइट है, वो डाइट क्लिनिक जो है यहाँ का, उससे डाइट चार्ट उसको मिलता है, साथ में उसको हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज भी करने बोलते हैं, जिसमें योगा भी एक पार्ट इंक्लूड किया जाता है। और योगा का जो है, मुझे ऐसा लगता है जितने पेशेंट्स मैंने यहाँ पे ट्रीट किए हैं, जितना हम लोग दवाई के साथ में जब भी योगा को कंबाइन करते हैं, उसका रिजल्ट जो है वो एक अलग तरीके से मिलता है पेशेंट्स में। तो बेसिकली होता क्या है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ और क्यों जो मैंने फील किया, वो ये इसका रीज़न हो सकता है कि योगा जो है वो दैट इंड्यूसेस रिलैक्सेशन इन द बॉडी, मतलब बॉडी में रिलैक्सेशन करता है। और योगा में जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है दैट इज रिदमिक एक्सरसाइज, वो रिदम के साथ एक की जाती है, और ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है साइको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, जो आपका एक्सेस है, या जिसको हम HPA एक्सेस भी बोलते हैं, यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और एड्रिनल जो एक्सेस है उसको ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। और हम सब जानते हैं कि जो HPA एक्सेस है, ये तीन जो मैं बात कर रहा हूँ ग्लैंड्स की, ये बहुत ज़्यादा इनका रोल है, या ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी टेम्परेचर को
मेंटेन करने के लिए, या फिर जो एपेटाइट है उसको कंट्रोल करते हैं, या जितना भी इमोशनल रिस्पॉन्स होता है उसमें ये जो एच पी एक्सिस है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ओबेसिटी के केस में खासतौर से ये देखा गया है कि जो स्ट्रेस है, ग्लूकोस्टेरॉइड्स हो गए, ये सब जो है ये जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी नीड्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है। मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो जो पेशेंट है वो ओबेसिटी के लिए ज़्यादा एक तरह से इजीली उसमें ओबेसिटी जो है वो हो सकती है। तो इसमें जो बेसिकली योगा का जो प्रोटोकॉल है उसमें चार चीज़ें आती हैं। एक तो आती है जो हम लोग अपने पेशेंट्स के यहाँ पे यूज़ करते हैं, सबसे पहली चीज़ है लूजनिंग एक्सरसाइजेस, दूसरा है पोस्चर्स या आसनास जिसको हम बोल सकते हैं, तीसरा है ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, और लास्ट में रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो है। तो इसमें जो भी हम लोग एक बेसिक ये चीज़ जो रिसर्च में पता लगी है, हम लोग यहाँ पे एक स्टडी भी कर रहे हैं और उसमें सामने भी आ रही है चीज़, जो मीन एनर्जी कंजप्शन है थ्रू योगा दैट इज 2.2 to 3.3 कैलोरीज पर मिनट। मतलब जो भी होगा आप उसको एडवाइस कर रहे हो उसमें कितना एनर्जी कंजप्शन हो रहा है ये भी पता करना जरूरी है। तो जो हमने स्टडी यहाँ पे की है और जो यहाँ पे अभी हम लोग काम भी कर रहे हैं उसमें ये एक डेटा जो है ये सामने आता है। जो हमारा प्रोटोकॉल हम लोग यहाँ पे योगा में फॉलो करते हैं उसमें जो पहले जो 2 वीक्स रहते हैं पेशेंट को हम लोग 30 मिनट के लिए योगा करने के लिए बोलते हैं, जो नेक्स्ट 2 वीक्स रहते हैं उसके बाद के उसमें 45 से 60 मिनट के लिए बोलते हैं, फिर जो 1 महीने के बाद में उसको और ड्यूरेशन उसका बढ़ा के 60 मिनट कर दिया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जैसे कि मैं बात कर रहा था लूजनिंग एक्सरसाइज जिसको योगा में सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं, जिसमें वही सारी चीज़ें आ जाएंगी, नेक रोटेशन या फुल आर्म रोटेशन या हिप रोटेशन और हिप फ्लेक्शन एक्सटेंशन, नी जॉइंट मूवमेंट बेसिकली क्या है। और ये जो है आप जो भी पेशेंट आपके पास हमारे पास आता है प्रोटोकॉल के तौर पे उसको ये डेली करने के लिए बोलते हैं कि जो भी आप योगा स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले आपको लूजनिंग एक्सरसाइज या सूक्ष्म व्यायाम जो है उसको करना जरूरी है, इसमें ये सारी चीज़ें वो करता है। अगर मैं प्रोटोकॉल की बात करूँ जैसे कि मैं बोल रहा था पहले जो 2 वीक हैं उसमें हम 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज उसको बोलते हैं करने के लिए योगा की, तो उसमें कौन कौन से आसन उसको हम लोग बोलते हैं। सबसे पहला ताड़ासन, ये उसका पोस्चर है, और अर्ध कटी चक्र आसन जिसमें इस तरह का कुछ पोस्चर होता है, देन भुजंग आसन जिसको कोबरा पोस्ट भी बोलते हैं, शलभासन कुछ इस तरह से किया जाता है, देन शशांक आसन जिसको हार्स पोस्ट भी बोल सकते हैं, ये कुछ इस तरह से किया जाता है। ये जो है ये पहले 2 वीक में ये सारे आसन हम उसको बोलने के लिए बोलते हैं, इसके अलग अलग सेट्स वो करता है, 5 सेट करेगा या 4 सेट करेगा, इस तरह से हम लोग आधे घंटे के लिए उसको पूरा एक प्रोटोकॉल प्रोवाइड करते हैं। जो नेक्स्ट एडिशन हम लोग यही आसन तो वो करता ही है जो हमने उसको फर्स्ट 2 वीक्स में बताए हैं, इसके साथ साथ में वो अगले 2 से 4 हफ्ते में ये कुछ आसन और वो ऐड करने के लिए हम उसको बोलते हैं, जिसमें पदास्थना जो है पहला आसन है, दूसरा आसन नौकासन या बोट पोज भी इसको बोलते हैं, देन दंड आसन जिसको स्टाफ पोज भी बोलते हैं, और इसमें आता है अधोमुख आसन जो कि इस तरह से किया जाता है, ये उसका एक पोस्चर है। ये हो गया 2 से 4 वीक जिसका ड्यूरेशन मैंने बताया था 45 से 60 मिनट के लिए हम लोग उसको बोलते हैं। अभी जो है वो फाइनल जो उसमें आता है जो 4 वीक यानी 1 महीने के बाद में हम जो आसन अभी तक वो कर रहा था उसके बाद में कुछ और आसन उसमें बढ़ा दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है त्रिकोण आसन या ट्राइंगल पोज भी जिसको बोलते हैं, सेकंड है धनुरासन या बहु पोज, वक्रासन कुछ इस तरह से किया जाता है। तो ये बेसिकली हो गए आसन, 4 चीज़ें मैंने बताई थी योगा में, योगा के प्रोटोकॉल में 4 चीज़ें हैं, लूजनिंग एक्सरसाइजेस, आसन, उसके बाद जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और फाइनल में रिलैक्सेशन। तो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में सबसे पहले प्राणायाम और साथ में अनुलोम विलोम, ये दोनों चीज़ें, ये अनुलोम विलोम हम सब जानते हैं कि जो पैरासिम्पथेटिक
जो नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है, और वो अगर एक्टिवेट होता है तो ऑब्वियसली जो मैं जिस HP एक्सेस के बारे में बात कर रहा था वो कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट होता है। लास्ट में रिलैक्सेशन, और ये जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं और ये रिलैक्सेशन है और साथ में लूजनिंग प्रैक्टिस, ये तो पेशेंट को डेली ही करनी है अदर देन जो आसनास हैं। आसनास जो है हम लोग वीक्स के हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं। तो ये था बेसिकली मेरा प्रेजेंटेशन ओबेसिटी पे, जिसमें मैंने ब्रीफली डिस्कस किया चीज़ों को। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो उसमें एक एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए पूरा पूरा ड्यूरेशन चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान मस्तान, और काफ़ी डिटेल आपने इसके बारे में बताया। इसमें जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें मैं ये बता दूं कि हमारा जो मकसद है यहाँ पर बेसिकली वो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है, कि जब हम क्लिनिक पर कोई काम करते हैं, क्लिनिक पर हमारा पेशेंट आता है, तो हम कैसे असेस करेंगे और इजी वे में कैसे उसको ट्रीट करेंगे पेशेंट को, और कैसे उसके रिजल्ट्स जो हम असेस करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जैसे डॉक्टर अदनान ने काफ़ी डिटेल में बताया है कि हमारे पास जी क्लिनिक जो क्लिनिक पर पेशेंट आता है तो बहुत सारे चीज़ें हम उस पर जो रूल्स हैं उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, उनको लेकर स्टार्ट करना चाहिए, और जैसे जैसे आप स्पेशलाइज उस सेक्शन में होते चले जाएंगे और स्पेशलाइज पेशेंट आपके पास उस तरह के आने शुरू होंगे, तो फिर आप उसको डिटेल वे में भी जा सकते हैं। और सबसे जो इसमें अच्छी बात यह है कि हमें जब हमारे क्लिनिक पर मरीज़ आता है तो हमें एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस और जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि जब हम सेमिनार में बात करते हैं उससे, तो वहाँ पर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं और वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। जब हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, और रिजल्ट्स को बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करने के लिए या लेने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें इख्तियार करनी चाहिए। तो इसमें मेरा जो अपना असेसमेंट है, ये कहता है कि पिछले लेक्चर में डॉक्टर फारूक सर ने भी बात ये बताई थी और डॉक्टर अदनान ने भी बात बताई है, एक असेसमेंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जब मरीज़ आपके पास आता है तो सबसे पहले मरीज़ की इनिशियली जब मरीज़ आपके पास आए तो उसकी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई मैजिकल रेमेडियल थिंग नहीं है कि आपके पास मरीज़ आए और फौरी तौर पर आप उसको दवाइयाँ बताएं और उसको एक वीक के बाद ही उसका वेट कम होना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले मरीज़ की जो काउंसलिंग है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि आप उसको समझाएं, फिर उसके बॉडी स्ट्रक्चर को, जो जैसे डॉक्टर अदनान ने बताया कि हमें ये समझना ज़रूरी है। नॉर्मली हमारा एक फॉर्मूला है और हम अक्सर इस पे बात पे भी करते हैं कि हमें अगर किसी का वेट कम करना है तो सिंपली एनर्जी इनपुट और आउटपुट का बैलेंस हमें क्रिएट करना है, उसका जो आउटपुट है उसको बढ़ा देंगे। लेकिन जो एक चीज़ हम मिस करते हैं, जैसे डॉक्टर अदनान ने बताई है कि हमें उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, कि वो जो एक्टिविटी कर रहा है और उसमें उसका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसको भी कंसिडर करना ज़रूरी है। अगर हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे तो हम एक ही जनरल फॉर्मूले सब पे अप्लाई करते रहेंगे और हमें रिजल्ट एक जैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ जो है ना वो पेशेंट की अलग अलग होती है। कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करता है, कोई बहुत कम एक्टिविटीज़ करता है, सेडेंटरी लाइफ गुजारता है, तो उन दोनों का एनर्जी एक्सपेंडिचर जब आप बता रहे होंगे, जो आउटपुट और इनपुट को समझा रहे होंगे उसको, तो अगर आपने उसकी चीज़ें कंसिडर नहीं की तो हो बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ गुजार रहा हो और आपने जो उसको एनर्जी एक्सपेंडिचर बताया वो बहुत बेहतर ना हो और उसका वेट लॉस नहीं हो। तो वेट लॉस को कराने के लिए मरीज का मिजाज समझना बहुत ज़रूरी है, मरीज की डेली एक्टिविटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और मरीज़ की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम मिस कर जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मरीज़ को ये समझाना ज़रूरी है कि दवाओं का इफेक्ट एक लिमिटेड वक्त तक होता है। जैसे डॉक्टर दाने ने कहा कि दवाइयों का बहुत ज़्यादा रोल इसमें नहीं है, हम इसमें पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं, इसमें डॉक्टर फारूक उसको डिटेल से बता सकते हैं कि इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक एक्सरसाइज, एक डाइट और एक मेडिसिन। तो मेडिसिन का 25% इफेक्ट है, डाइट का 25% इफेक्ट है, और एक्सरसाइज का 50% इफेक्ट है। तो एक्सरसाइज और डाइट मिलाकर 75% इफेक्ट बनाते हैं। तो 25% इफेक्ट जो है मेडिसिन का वो हम हमेशा फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन 75% हमारे हाथ में, तो ये मरीज को समझाना ज़रूरी है। और उसके बाद जहाँ तक मुफरदात और मुरक्कबात के बारे में डॉक्टर अदनान ने बताया ही है कि इसमें सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है जो हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें सबसे पहले ये कि काउंसलिंग करें मरीज की, उसके जो वेट गेन होने के जो कॉजेज हैं
उस पे गौर करना बहुत ज़रूरी है और उसकी काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत अच्छी चीज़ें डॉक्टर अदनान ने हमें बताई हैं इसमें। उसूल इलाज बहुत सिंपल इसमें बता दिया है, उसको फॉलो करना चाहिए। तहजील तादील मिजाज बताया इन्होंने, तजफीफ यानी कि उसके अंदर जो रुतूबत है उसको कम करना, और तकलील गिज़ा गिज़ा को कम करना। और तकलील गिज़ा का मतलब ये नहीं है जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, हम हमेशा जब भी मरीज को तो खाना कम कर देते हैं, ऐसा नहीं। तकलील गिज़ा का कम करने का मतलब ये कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर गौर करके बताया जाए, जो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को समझा जाए और फिर उसकी जो है एनर्जी जो कैलोरीज हैं उसको कम किया जाए। ऐसा नहीं कि आप सडनली खाना उसका बंद कर दीजिए, खाना छोड़ दीजिए, खाना छोड़ दीजिए, बल्कि क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फूड दोनों को जहन में रखना ज़रूरी है। इसके बाद इसमें कुछ सवालात हैं डॉक्टर अदनान, जो सवालात इसमें आ रहे हैं वो सलमान खान करके हैं, डॉक्टर सलमान खान, इन्होंने पूछा है कि मुसिलात कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं इसमें जनरली। आप अपना आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अपना ऑडियो शायद आपका ऑफ हो गया है। अभी आ रही होगी अब आ रही है, ठीक। जी, तो वही अगेन वही बोलना चाहूंगा कि आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, आपको यही मुसिल यूज करना है हर पेशेंट में। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको अगर उसमें जो भी पेशेंट आपके पास आ रहा है उसमें आप मुसिल की रिक्वायरमेंट है, पहले तो ये आप असेस कीजिए उसमें मुसिल की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। डायरेक्टली आप मुसिल क्यों देंगे किसी पेशेंट को, पहले तो आप ये देखेंगे कि हाँ अगर उसमें जो जो भी मरीज आपके पास आ रहा है क्या उसमें सूए मिजाज हुआ भी है या नहीं। हो सकता है वो उस तरह का उसका लग्जरियस लाइफस्टाइल रहा हो जिसकी वजह से उसको ओबिसिटी हो गया और उसको मुसिल की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वही है, उसको जनरलाइज आप नहीं कर सकते, बट फिर भी आप दे सकते हैं हब्बे आयरिज वगैरह जैसे हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उसका रिजल्ट भी आता है। मैं ओबिसिटी के केसेस में यूज़ भी करता हूँ उसको, तो बट अगेन यू कैन नॉट जनरलाइज दैट, यू हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट। ठीक है, इसमें दूसरा सवाल है डॉक्टर साजिदा हसन काजी, एक्सरसाइज हमेशा एम्प्टी स्टमक ही होनी चाहिए तो फिर इवनिंग में एक्सरसाइज करना कैसा रहेगा, मतलब एक्सरसाइज हाँ टाइम ये जी। और खाली पेट या भरे पेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा डिटेल बता दीजिए। आइडियली जो बताया गया है और हमारे यूनानी में तो बल्कि ये बताया गया है खाली पेट एक्सरसाइज करना जो है वो मुझे नहीं करना चाहिए खाली पेट। जो ऐसा जो जिसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं पोस्ट एब्जॉर्प्टिव फेस होना चाहिए, जैसे कि बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ एटलीस्ट मशरूब तो लेना ही चाहिए आपको एक्सरसाइज से पहले। आप डायरेक्टली अगर खाली पेट करोगे तो दैट में लीड टू और ज़्यादा वो नुकसान ही करेगा जो यूनानी लुक्स में। इसलिए इवनिंग में जो बहुत सारे लोग जैसे मैं देखता हूँ एक्सरसाइज करते हैं वो कर सकते हैं, उसका मना ही नहीं है, लेकिन वही है कंडीशन कि वो खाली पेट नहीं होना चाहिए एक्सरसाइज जो है वो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपको खा के ही करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आप हैवी डाइट ले लोगे तो उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी करना तो वैसे भी मुश्किल ही हो जाए। सर एक सवाल है, मेरे पास एक 115 kg के एक मेल पेशेंट हैं, काफ़ी ओबेज हैं, उनका इलाज चल रहा है अभी, तो कोई दवा से कुछ कम नहीं हो रहा है। हबे कभी दोनशादरी दे रहा हूँ, जिगरीन दे रहा हूँ, अरक अजवाइन अरक ज़ीरा भी दे रहा हूँ मैं, मगर जो है कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हालांकि वो कोई स्वीट्स भी नहीं खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है उनका, फिर भी जो है वज़न कम नहीं हो रहा है, और वॉकिंग के लिए ज़्यादा नहीं चल पाते हैं क्योंकि 115 kg हैं, वर्टेक्स वगैरह का बहुत बड़ा निकला हुआ है उनका, उसके लिए क्या कर सकते हैं सर। डॉक्टर अदनान देखिए वही अभी जैसे कि हमने पूरे प्रेजेंटेशन में शुरू में बात करी, आपने दो तीन चीज़ें बताई इसमें कि तो जॉइंट प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। एटलीस्ट इस केस में आप फिर उनको एडवाइस करोगे कि वो डाइट पूरी तरह से फॉलो करें, लेकिन डाइट एडवाइस करने के लिए पहले आपको ये जानना ज़रूरी है आप मेडिसिन तो दे दे रहे हैं, आपने अर्की ज़ीरा भी दे दिया और जो दूसरी आपने मेडिसिन के नाम लिए वो सब आपने उनको दे दी, लेकिन पहले आपने क्या ये देखा वो जो पेशेंट आपके पास आया उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी थी, वो कितनी एनर्जी पहले ले रहा था। जब तक आप वो बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे पेशेंट में कि वो कितनी एनर्जी ले रहा है और कितनी उसको कैलोरी बर्न करने की ज़रूरत है, तब तक आप उस पेशेंट में आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। मैं बहुत सारे केस स्टडीज पब्लिश कर चुका हूँ इस तरह के, जिनमें मेरे पास जो अभी मैं एक शेयर कर लेता हूँ छोटा सा एक केस था जिसको अभी पब्लिश किया है रिसेंटली। पेशेंट का वेट जो है वो 120 kg था और वो मेरे पास आया था विद कंप्लेंट ऑफ जॉइंट प्रॉब्लम्स। वो मेरे पास ओबिसिटी के लिए नहीं आया था, वो जॉइंट प्रॉब्लम्स के लिए आया था कि उसको
35 या 36 एज ईयर एज की पेशेंट थी। उसका जो ट्रीटमेंट यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, पहले तो उसके जो जॉइंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी उसको एक टेंटेटिव और इनिशियल तौर पे टेम्पररी एक ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट कर दिया था उसका। बट ये बाद में ही पता लगा जब उसको इवेल्यूएशन पूरा हुआ कि उसको ये इस एज में जो प्रॉब्लम है वो उसको ओबिसिटी की वजह से हो रही है, उसको जो जॉइंट प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है वो ओबिसिटी की वजह से। तो उसको फिर हमने एडवाइस किया कि आपको ओबिसिटी का ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है। तो अभी जो है वो पेशेंट मेरे पास अभी भी ट्रीटमेंट है, 3.5 महीने से ऊपर उसका ड्यूरेशन हो चुका है ट्रीटमेंट का। अभी उसका जो वेट है वो 81 kg है और वो रिसेंटली अभी पेपर जो है वो पब्लिश भी होने वाला है मेरा, वो एक्सेप्ट हो गया है। उसमें वही था, हमने उसको पहले उसका देखा एनर्जी रिक्वायरमेंट कितना था, पहले उसका इवेल्यूएट करा, जिसके लिए जो 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 मैंने टेस्ट बताया या जो क्लिनिकल टेस्ट थे वही हमने किए। उसको हमने डेक्सा स्कैन वगैरह कुछ नहीं कराया, हमने स्किन फोल्ड उसका थिकनेस मेजर किया, उसका हमने BMI मेजर किया, उसका हमने वेस्ट सरकमफेरेंस, ये सारी चीज़ें हमने मेजर करती, एक हमने जस्ट एक टेंटेटिव आइडिया नहीं किया क्योंकि हम लोग क्लिनिकल OPD में मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पे हम इन सारी चीज़ों के लिए बाद में ही जाते हैं डेक्सा स्कैन। तो इसके बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया और वही होलिस्टिक अप्रोच से, सिर्फ हमने अर्किजीरा और ये सब स्टार्ट नहीं कर दिया उसका, या जो हमारी मेडिसिन जो एक जनरलाइज बताई गई है वो स्टार्ट नहीं कर दी। उसको पहले मैंने देखा, मैंने अपनी जो मेडिसिन एडवाइस करनी थी वो मेडिसिन एडवाइस करी अलॉन्ग विथ उसका पहले एनर्जी रिक्वायरमेंट देख के क्या उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। उसको फिर रेफर किया गया डाइट जो क्लिनिक था वहाँ पे, उसको फिर एक डाइट क्लिनिक में जो डाइट चार्ट था वो दिया गया, साथ के साथ उसको जो मैंने फिजिकल एक्टिविटीज बताई थी उसको मैंने ये भी बोला कि आप योगा भी करो साथ में, तो उसने योगा भी फॉलो किया। अब यहाँ पे जैसे कि अभी डॉक्टर अकमल बात कर रहे थे, पेशेंट की काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो पेशेंट आ रहा है उसको आप जब तक मोटिवेट नहीं करोगे कि हाँ वो ये सारी चीज़ें फॉलो करें, ये डाइट फॉलो करें, ये फिजिकल एक्टिविटी फॉलो करें, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। घर पे जाके वो उस तरह की चीज़ें कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है बहुत मुश्किल होता है OPD के केसेस में, खासतौर से मैनेज करना। IPD में पेशेंट आपके पास एडमिट है वहाँ पे आप ये सब चीज़ें उससे करवा लोगे पेशेंट को, लेकिन OPD में ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस केस में पेशेंट की काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसको जब तक आप काउंसलिंग उसकी नहीं करोगे अच्छे से तो वो फॉलो नहीं करेगा। उसको आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि अगर वो ये सारी चीज़ें करेगा तो उसका वेट डेफिनेटली कम होगा, और उसको थोड़ा सा डराना भी पड़ेगा कि हाँ ये इस बीमारी की वजह से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सब भी बताना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो वही मैं जो ये जनाब है उनको बताना चाहूँगा कि आपका जो भी पेशेंट है सबसे पहले आप उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट देखिए, उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से फिर उसको उसके बेस पे एक्सरसाइज, वो जो भी एक्सरसाइज कर सकता है कुछ ना कुछ तो कर ही पाएंगे। वो एक लिस्ट पूरा मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिया है, आप वही बेसिक करवा लीजिए, उसके हिसाब से डिसाइड कर लीजिए उसका कितना एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा, और डाइट भी फिर उसके साथ में आप उनको तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान। अब चूँकि हमारा एक कंक्लूसिव लेक्चर है आज ओबेसिटी के ऊपर, तो अगर इसमें कुछ और सवालात हैं, हमारे दोनों ही एक्सपर्ट आज मौजूद हैं, क्योंकि पिछले सेशन में हमने डॉक्टर फारूक ने बहुत डिटेल इसमें बताया था, डॉक्टर अदनान भी मौजूद हैं यहाँ पर, और जैसे मैंने बताया कि हम ये जो इस लेक्चर सीरीज का मकसद है वो किसी भी चीज़ पर फाइनल जो चीज़ें हैं वहाँ तक पहुँचना हमारा मकसद है, कि हम क्लिनिक पर कैसे पेशेंट को डील करें और कैसे हम बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे अभी बात हुई ना कि OPD में मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो उन चीज़ों को सीखने के लिए तो हमारे दोनों एक्सपर्ट मौजूद हैं। किसी के और सवाल है तो जल्दी से कर लें, उसके बाद आपको कंक्लूड करके और आगे का वो करेंगे। उसमें एक सवाल है हाउ टू मेक डाइट चार्ट स्पेशली इन फीमेल हाइपरटेंशन पेशेंट। डाइट चार्ट बनाने के लिए क्या मतलब हाइपरटेंशन अगर कोई पेशेंट है या डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है, डॉक्टर फारूक सर अगर मौजूद हो तो उसमें आप आ जाएं ऑनलाइन थोड़ा डिस्कस। और अभी अभी नहीं है वो डॉक्टर अदनान, इसमें क्या इजी वे रहेगा अगर हमारा पेशेंट आता है तो डाइट चार्ट बनाकर देने के लिए, तो आप जहाँ पर आपके सेटअप के अंदर है वहाँ तो स्पेशलाइज OPDs हैं, वहाँ पर डाइट के लिए आप वहाँ से ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन क्लिनिक में एक ही
हमारे पास जो डॉक्टर होते हैं एक ही होते हैं, हम तो हमें अपने आप ही ये डाइट भी चार्ट शाइट बनाकर भी देना है और उसको मेंटेन भी करना है, उसको समझाना भी है, एक्सरसाइज भी समझानी है, मेडिसिन भी स्टार्ट करनी है, काउंसलिंग भी करनी है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उससे हम कैसे काम कर सकते हैं सर, इस पर कुछ बता सकते हैं? जी देखिए, ये अगेन वही मैं इसमें बोलना चाहूँगा, मैं आप हर चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। आप ये चाहोगे कि आप दवा भी बहुत अच्छे ढंग से दे दोगे, तो जैसे कि यहाँ पे मुझे वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि यहाँ पे मैं डाइट जो क्लिनिक है वहाँ पे भेज देता हूँ, तो इस केस में आपका एक मकसद तो मेन यही होना चाहिए ना कि आपको जो आपका पेशेंट आ रहा है, जो आपका मरीज आ रहा है, उसको आपको ठीक करना है। अब वो कैसे भी हो, तो इस केस में यूजुअली मान लीजिए आपके पास उस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि आपके पास डाइट एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपको गूगल पे बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी जहाँ पे हर एक डाइट का कि किस डाइट में कितनी कैलोरी होती है वो सारा डिटेल आपको उसमें मिल जाएगा। तो उसके थ्रू आप बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। एक मोटे मोटे तौर पर अगर जैसे अगर मैं बताऊँ तो जो ये 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें या 1 ग्राम हम प्रोटीन की बात करें, तो उससे 4 किलो कैलोरी वो मिलती है मोटे मोटे तौर पे अगर हम बात करें। बट ये वही है, हर हर जो फ्रूट रहता है या जो भी गजा रहती है उसका हर किसी का अलग अलग कैलोरी इंडेक्स होता है, हर किसी का अलग अलग उसमें कैलोरी का डिफरेंट रहता है, जो जिसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बोलते हैं। तो वो बनाना वो आप खुद से, या तो आप पूरा डिटेल पहले से बना के रखो, और उसको भी आप जनरलाइज नहीं कर सकते, उसको भी आपको इंडिविजुअलाइज ही करके देना पड़ेगा। जैसे क्योंकि आप बता रहे हो कोई ओबेसिटी के केसेस में बहुत सारे हैं जिनको डायबिटीज़ होता है या किसी को हाइपरटेंशन है, उसमें आप इस तरह की जो मीठे फ्रूट्स हैं या मीठी जो चीज़ें हैं वो नहीं बता सकते, तो वो आपको देखना पड़ेगा उसको बनाने के लिए। आप उसके एक्सपर्ट एकदम से नहीं बन सकते, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि जो इतने सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, गूगल ऐप या बहुत सारे गूगल पे ही आपको चार्ट मिल जाते हैं, वहाँ से आप वो फाइंड आउट कर सकते हो कि इंडिविजुअल किस गिजा में कितनी कैलोरी रहती है, डाइट चार्ट बना सकते हैं। यही है कि आप धीरे धीरे उस तरफ जाएंगे, तो पहले आप उस पे सर्च करते रहिए। मैं आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, आप थोड़ी आवाज अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। ठीक है, पर अब आ रही आवाज प्रॉपर्ली? जी 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 हाँ, थोड़ा माइक का इशू है। तो मेरा अपना ये मशवरा, जैसे इन्होंने डॉक्टर अदनान ने कहा है कि हम मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम एक्सपर्ट नहीं बन सकते। अगर हमने क्लिनिक स्टार्ट कर दी है, पहले एक तो सूरत ये कि हम क्लिनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हम ओबेसिटी का रखना चाहते हैं, तो फिर हम उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करके रखेंगे, जो डाइट चार्ट बना के रखें और जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन स्लिप होती है उसके बैक साइड में उसको छपवा लें, इस तरह की कोई चीज़ें, और उसको क्लिक करके रख दें, तो वो इजी हो जाता है जब मरीज को आप समझाते हैं। तो कुछ प्रिपेयर डाइट चार्ट आप चाहे ऑनलाइन सर्च करके या उस पर अपने जो सीनियर हैं या हमारे जो टीचर्स हैं या जैसे ऐप्स अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग वो चार्ट तैयार कर लें और उसको अपने प्रिस्क्रिप्शन के बैक साइड में छपवा लें और उसको फिर क्लिक करके आप समझाने में इजी हो जाता है। एक तो वो तरीका है अगर आपने क्लिनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और अगर आपने क्लिनिक स्टार्ट कर ली है तो फिर धीरे धीरे इन चीज़ों को आप प्रिपेयर्ड फॉर्म में, डाइट चार्ट हो गया और कैलरी कैलकुलेशन डाइट चार्ट हो गया, बीएमआई चार्ट हो गया, इसको आप कैलकुलेट करके रखिए, थोड़ा मरीज को टाइम दें, उसको हल्का सा उसकी काउंसलिंग करनी है 10 से 15 मिनट, और उसके बाद उसको समझाना कि आपकी ये बॉडी स्ट्रक्चर है, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट इतनी है और आप इतना यूज़ कर रहे हैं, आपको ये एक्टिविटीज़ करनी ज़रूरी है। और जैसे कहा गया डॉक्टर अदनान ने ग्लव्स यूज़ किया था, डराना ज़रूरी है, तो मेरे ख्याल से मैं ये कहूँगा कि उसको असल आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है, डराने की ज़रूरत नहीं है उसको, कि जो उस डिज़ीज़ से ओबेसिटी अपने आप में एक बीमारी है और उस बीमारी के नतीजे में बहुत सारी चीज़ें हुआ कर होने वाली हैं, उसको बस उसको वो बता दें तो उसको अपने आप समझ में आ जाएगा, आईना दिखा देंगे उसको, तो डॉक्टर डराते नहीं समझाते हैं, तो उसको समझ में आ जाएगा वो। बहरहाल तो उसमें ये चीज़ें, एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं उसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे इसको, उसमें एक थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसलिए कि सफरावी पेशेंट है फीमेल अगर, तो उसको हम जो हार दवाएं इस्तेमाल कराते हैं तजवीज कराने के लिए, तो उससे उनकी ब्लीडिंग जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट में हम क्या कर सकते हैं जो मिजाजी सफरावी हो और उसको जो हार दवाएं इस्तेमाल कराने से ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें कैसे मैनेज करेंगे अगर कोई तजुर्बा इस पर हो? देखिए फिर वही है इसमें, आप जो अगर आप इस तरह का सफरावी आपके पास केस है तो उसमें आप शदीद दर्जे की हार दवाएं नहीं दे सकते। फिर अगर आपको मान लीजिए हार दवा देनी भी है तो वो फिर आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा
कि और ये जो है आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस से ही आएगा, मतलब आप तो पेशेंट्स को ट्रीट करोगे और जब आपको पता लगेगा, जैसे इस तरह का केस आया कि जहाँ पे हार्ड दवाई दी गई और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई, तो उस केस में जैसे लुक है आप उसको तो यूज़ कर ही सकते हो, क्योंकि लुक जो है वो बेसिकली देखा गया है मिनोरेजिया में भी यूज़ होता है, हाबिस उसका इफेक्ट है, उसको तो आप एटलीस्ट यूज़ कर ही सकते हो। तो इसी तरह से आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि अगर किसी का हार मिजाज है तो उसको आप शदीद दर्जे की हार दवाई नहीं दे सकते, जहाँ पे बारे याबिस मिजाज है, बलगमी मिजाज है, वहाँ तो आप दे दोगे, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हार याबिस दवाई देने में। लेकिन जहाँ पे सफरावी पेशेंट है उसको आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितने किस दर्जे की दवाई दे रहे हो, अगर हार दवा दे दी रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान। और जैसे कि किसी भी एक मुहिम के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ फ्रंट पे काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट वो लोग होते हैं जो पीछे से काम कर रहे होते हैं और उनको उनका मालूम नहीं होता। मैं ऐसी हमारे एक बहुत अच्छे शख्सियत हैं जो इस पूरे प्रोग्राम को प्रमोट करने में, उसके लिए मेहनत करने में और दूसरे लोगों को मोटिवेट करने में, हमें डॉक्टर आरिफ सर हैं और हमें मोटिवेट करने को हमेशा आगे रहते हैं और उसको स्पॉन्सर भी कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, डॉक्टर अब्दुल मजीद सर सहारनपुर से। अगर वो मेरी बात सुन रहे हो तो मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए उनको मधु करता हूँ कि प्रोग्राम के अख्ताम करें, और वोट ऑफ थैंक्स। जी डॉक्टर अब्दुल मजीद हैं, हाँ ज्वाइन कर लिया। जी आप सुन आवाज़ सुन रहे हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? डॉक्टर माजी सब शायद टेक्निकल इशू की वजह से शायद नहीं सुन पा रहे हूँ। मैं ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस और हाजिक रेमेडीज की तरफ से मैं ही शुक्रिया अदा कर देता हूँ। सबसे पहले जो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर अदनान साहब का कि उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमें ऑबेसिटी का मैनेजमेंट बताया, जिसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कशन में भी आ गई, उन उस पर और सोने पे सुहागा डॉक्टर अकमल साहब ने भी लगा दिया, ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनमें जो भी इस तरह के सवाल या कन्फ्यूज़न होते हैं वो ठीक हो जाएँ। तो इस वक्त ये शुक्रिया का मौका है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर अदनान साहब का भी, अकमल साहब का भी, और जितने भी हमारे जो पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं उन तमाम हजरात का, कि आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया और इसको कामयाब बनाने में आपने आपका अहम रोल है, और तमाम हजरात का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें जितने भी सवालात आए वो काफ़ी सवालात ऐसे आए जो पिछले लेक्चर में होने थे, जो डॉक्टर फारूक साहब ने जिसको किया था, जिसमें डाइट से ताल्लुक, डाइट से मुतालिक या BMI से ताल्लुक या जो सफरावी मिजाज की भी बात आई है, तो वो बेहतर होता कि उस वाले सेशन में अगर सवाल ये उठते तो उसका और अच्छा, मतलब क्योंकि वो सेशन उसी पे चल रहा था इसलिए वो सवाल अगर वहाँ उठते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन फिर भी डॉक्टर अदनान ने जिस हिसाब से भी तमाम चीज़ें यहाँ पे पेश की हैं तो वो बहुत ही अच्छी और काफ़ी असरअंदाज रहेंगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जैसे डॉक्टर साहब ने बात की स्नोरिंग की, तो स्नोरिंग का मेरा अपना पर्सनल अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि जिसके अंदर क्लिनिकल एक्सपीरियंस में जो लोग ऐसे लोग आते हैं जिसमें ओबेसिटी की वजह से स्नोरिंग ज़्यादा होती है, तो उस स्नोरिंग की वजह से एक सेकेंड में ज़रा एक मिनट के लिए सेशन रोकता हूँ, एक सेकेंड अच्छा। माफी चाहूँगा एक सेकंड के लिए, कुछ फ़ोन की मसला था। तो इसमें एक चीज़ जो स्नोरिंग के ताल्लुक से डॉक्टर साहब ने बताई, अभी ऐसे केसेस जो ओबेसिटी वाले होते हैं स्नोरिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनको होती है और उससे कार्डियक जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सामने आती हैं, तो ऐसे केसेस में भी जब तक हम उसका वेट को कम ना कर लें उसके कॉम्प्लिकेशंस को आप ठीक नहीं कर सकते। इसी तरह से उनके थ्रॉट के जो इन्फेक्शंस हैं या नेजर इन्फेक्शंस हैं ये सब के सब उस वजह से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर इंसान मोटा है, मोटे होने की वजह से उसको स्नोरिंग हो रही है, तो स्नोरिंग से ENT वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो
तो जितने भी तरीके इलाज अभी बयान किए गए हैं वो सब बहुत ज़रूरी हैं, साथ साथ इलाज तदबीर का जो उन्होंने इशू तमाम तरीके बताए हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जब भी हम किसी ओबेसिटी वाले मरीज़ का इलाज कर रहे हों तो सबसे पहले हम उसके लिवर और उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, उसके सुए मिजाज पर ख़ास तौर से ध्यान रखें कि अगर उसका सुए मिजाज ग्रोथ की तरफ चला गया है तो हम कितनी भी डाइट उसको देते रहें, अगर हम उनने उसका सुए मिजाज ठीक नहीं किया तो हम उसकी ओबेसिटी को ठीक नहीं कर सकते। ये बारहा का तजुर्बा रहा है कि अगर लिवर सुए मिजाज बारिद में पहुंच गया तो हमें उसकी ग्रोथ के हिसाब से, जैसे अभी उसूल इलाज भी बताया गया जिसमें जो इसहाल का जो कंसेप्ट था वो भी उसी मिजाज को चेंज करने के लिए है, या लीवर की जितनी भी गर्म दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो भी लीवर के सोए मिजाज को हरारत की तरफ लेकर आती हैं। तो इस ताल्लुक से जो भी सवाल थे वो आए गए हैं। मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम हजरात का कि आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया और इसकी अहमियत को समझा, और हमारी हौसला अफजाएगी ताकि हम आगे भी इस प्रोग्राम को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर माजिद साहब का भी, जो हाजिक रेमेडीज और हाजिक ट्रेनिंग सेंटर एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से हमारे साथ जुड़े रहते हैं और इस प्रोग्राम को वो स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। तो इसी के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।